समझ में आया? एट्रोसिटी कहाँ होता है? मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी का मतलब है महानगर। तो जैसे ही ये शब्द आपको दिखेगा एट्रोसिटी, दिमाग में क्लिक करेगा मेट्रो सिटी, कि मेट्रो सिटी में क्या होता है? अत्याचार होता है। देख लो उधर क्या है। तो एट्रोसिटी मतलब अत्याचार, और एट्रोसिटी मेट्रो सिटी में होता है। नेक्स्ट वर्ड है असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होता है आक्रमण करना। अब आक्रमण करने के तीन वर्ड होते हैं, एक होता है अटैक, इन्वेड और असॉल्ट। अब अटैक का मतलब होता है कि दोनों पक्षों को जब पता हो, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे एक साइड किसी की सेना है और दूसरी साइड किसी दूसरे पक्ष की सेना है। अब इसको पता है कि ये आक्रमण करने वाला है, इसको पता है ये आक्रमण करने वाला है, यानी दोनों पक्षों को पता है यहां पर क्या यूज होगा, अटैक। इन्वेड का मतलब होता है घर में घुस के मारना, यानी भारतीय सेना जब पाकिस्तान में क्या की थी, बताई थी कि आ रहे हैं, अंदर घुसी बजा के चली आई, इसे कहते हैं इन्वेड। इन्वेड का मतलब अंदर, यानी इन करके, यानी इन लगा है इन्वेड, अंदर घुस के मारना। असॉल्ट का मतलब होता है मारना ही नहीं, यानी कि आप जैसे दो लोगों में लड़ाई हुई, अब एक व्यक्ति क्या किया, उसको मारा, उसके बाद उसका मोबाइल तोड़ दिया, उसका वॉच फोड़ दिया, उसका बाइक तोड़ दिया, इसका मतलब होता है असॉल्ट। यानी कि आपने क्या किया कि मारा तो, लेकिन साथ साथ में उसकी सारी चीजों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उसे कहते हैं असॉल्ट। असॉल्ट को याद करो सॉल्ट से, कि ऐसा खिलाया सॉल्ट कि क्या हो गया, असॉल्ट हो गया, यानी ऐसा खिलाया सॉल्ट कि बन गया वो असॉल्टर, कर दिया असॉल्ट। तो असॉल्ट का मतलब आक्रमण करना। नेक्स्ट वर्ड है एम्पल। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, अबंडेंट कॉपियस, यानी कि बहुत ही प्रचुर मात्रा में जो चीज हो उसे कहते हैं एम्पल। तो एम्पल को याद कर लोग टेम्पल से, कि भारत में टेम्पल कितना है, एम्पल मात्रा में है, यानी कि टेम्पल, एम्पल यानी टेम्पल किस मात्रा में है, एम्पल मात्रा में है, यानी प्रचुर मात्रा में है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एवराइस। एवराइस का मतलब होता है लालच। एवराइस का मतलब होता है ग्रीडी, लालच, उसे कहते हैं एवराइस। एवराइस को याद करोगे कि अब के जो वारिस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, लालची हो रहे हैं, उनके अंदर लालच भरा रह रहा है। किसी छोटे बच्चे से जाके बोलो कुछ खा रहा हो, मांगना कि जरा देना हो, बोलेगा तुम अपना देते हो कि मैं दूं, यानी क्या है उसके अंदर, लालच भरा हुआ है। तो एवराइस अब के वारिस, और अब के वारिस कैसे हो रहे हैं, लालची हो रहे हैं, उनके अंदर लालच भर रहा है, एवराइस लालच। नेक्स्ट है एसिड्यूस। एसिड्यूस का मतलब होता है मेहनती, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, बहुत सारे वर्ड होते हैं इसके। तो एसिड्यूस का मतलब मेहनती। याद कैसे करोगे, तो देखो पहले ही लगा है एस यानी गधा। गधा कैसा होता है, यानी गधा मेहनती होता है, एस एसिड्यूस होता है। तो एसिड्यूस का मतलब मेहनती। नेक्स्ट वर्ड है आपका आर्केन। आर्केन का मतलब होता है गुप्त। आर्केन का मतलब होता है हिडन, प्राइवेट, सीक्रेट, उसे कहते हैं आर्केन। अब आर्केन को याद करो, यहाँ ए आर अरे कान, आर्केन अरे कान, यानी कि जो प्राइवेट बात होती है, जो सीक्रेट बात होती है, जो गुप्त बात होती है, उसे कानों में कहा जाता है, उसे आर्केन किया जाता है। तो आर्केन का मतलब क्या हो गया, गुप्त रहस्य, आर्केन अरे कान, यानी अरे कान में बोलो। नेक्स्ट वर्ड है एबिसिडेरियन। एबिसिडेरियन का मतलब होता है नौ सिखिया। एबिसिडेरियन का होता है कि नया नया जो सीख रहा है, यानी टायरो है, नॉविस है, इनएक्सपीरियंस है, रुकी वर्ड है, रुकी कराया था, तो इसका सेनोनिम्स बन जाएगा। तो एबिसिडेरियन मतलब होता है नौसिखिया। याद करो तो एबिसिडेरियन ABCD, यानी ABCD सीखने वाले कैसे होते हैं, नौसिखिया होते हैं, बिगनर होते हैं, नियोफाइट होते हैं, ग्रीन हॉर्न होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एबडिकेट। एबडिकेट का मतलब होता है त्याग देना, यानी एबडिकेट का बेसिक मतलब होता है किसी पद को त्याग देना, किसी गरिमा को त्याग देना, किसी टाइटल को त्याग देने को बोलते हैं एबडिकेट। एबडिकेट को याद करो, अब दिक्कत, एबडिकेट अब दिक्कत, यानी अब दिक्कत हो रहा है, उसे क्या कर देना चाहिए, अपना पद त्याग देना चाहिए, यानी अब हो रहा है दिक्कत, कर देना चाहिए एबडिकेट, यानी पद को त्याग देना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है एकमी। एकमी का मतलब होता है शिखर। एकमी का मतलब होता है एपेक्स। एकमी का मतलब होता है टॉप, जिनिथ पॉइंट को कहते हैं एकमी। तो एकमी साउंड लाइक, यानी कि बहुत सारी लोग होती हैं लक्ष्मी लगा के अपने आप को क्या समझ लेती है, लगता है कि, यानी लगाया लक्ष्मी अपने आप को क्या समझ लिया, यानी एकमी समझ लिया, लगा कि उससे सुपीरियर तो कोई है ही नहीं। तो एकमी का मतलब क्या हो गया, शिखर, टॉप पोजीशन। अब बताओ पहला वर्ड है अब्रिज। अब्रिज का मतलब छोटा करना। एट्रोसिटी अत्याचार। असॉल्ट
आक्रमण करना, एम्पल प्रचुर मात्रा में, एसिडुअस मतलब मेहनती, आर्केन गुप्त रहस्य सीक्रेट, एबिसिडेरियन नौ सिखिया पद को त्याग देना, एक्मी यानी लैक्मी लगाइए शिखर पर पहुंच जाइए। बताओ सारे शब्द याद हुए? डेली ऐसे ही मिलेगा। वोकैबुलरी से शुरुआत होती है। पहला वर्ड है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है स्नान, यानी ये वह स्नान है जो धार्मिक होता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे जगह है जहां पर जाने के लिए आपको पहले नहाना पड़ेगा, उसके बाद जाना पड़ेगा, उसे ही कहते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है स्नान, यानी धार्मिक स्नान जो कि आपके किए गए पाप को धो दे, उसे कहते हैं एवोल्यूशन। यानी एवोल्यूशन का मतलब धार्मिक स्नान। अब ऐसा नियम बना दिया गया है कि जो भी स्नान करेंगे, यानी पापियों की संख्या बढ़ गई, अब पापियों की संख्या बढ़ गई, निकल गया एक लोशन, यानी लोशन लगा के क्या करो, स्नान करो, यानी एवोल्यूशन अब लोशन, और अब लोशन लगा के क्या करना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा जो धार्मिक स्नान होगा। नेक्स्ट वर्ड है एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब होता है सुगंधित। एरोमेटिक का मतलब होता है सुगंधित या खुशबूदार, जिसे कहते हैं एरोमेटिक। नहीं चल रहा है ऑपरेटर साहब, कहाँ है? हो जाएगा, कोशिश करो। यहां चल रहा है? कोई नहीं चल रहा है। नीचे करें तो ये नीचे कैसे होगा? सेट है ये 16:9 पे। कैमरा को शॉर्ट कर दो। इसको छोटा कर दो। अभी दिख रहा है? सही है। चलो भाव को समझो। एरोमेटिक का मतलब होता है सुगंधित या खुशबूदार। याद कैसे करोगे? तो एरोमेटिक, मैटिक, और मैटिक से क्या आ गया, यानी कि जब रोमांटिक होते हैं तो लोगों को सड़ी हुई चीजें भी क्या लगती है, क्या लगती है, तो यानी रोमांटिक एरोमेटिक, यानी एरोमेटिक का मतलब ही होता है खुशबूदार सुगंधित, उसे कहते हैं एरोमेटिक, फ्रेग्रेंट। नेक्स्ट वर्ड है आपका एपोक्लिप्टिक। एपोक्लिप्टिक का मतलब होता है सर्वनाश। एपोक्लिप्टिक का मतलब होता है विनाशकारी, यानी एपोक्लिप्टिक है, सर्वनाश है, विनाशकारी है। याद कैसे करोगे? तो एपोक्लिप्टिक, और जिस दिन लग गया समझ लो सर्वनाश निश्चित है, विनाश निश्चित है। तो एपोक्लिप्टिक का मतलब क्या हो गया? सर्वनाश, विनाशकारी, डिजास्ट्रस, कैलामिटी, उसे कहते हैं एपोक्लिप्टिक। नेक्स्ट वर्ड है आपका एपोक्राइफल। अब एपोक्राइफल का मतलब होता है नकली। एपोक्राइफल का मतलब होता है फेक, डुप्लीकेट, फोनी, सैम, जो क्या होता है, झूठा होता है, काउंटरफिट होता है, उसे कहते हैं एपोक्राइफल। अब एक व्यक्ति है, दिन भर एक राइफल ले लिया और आगे पीछे दौड़ रहा है, इधर कभी जा रहा है कभी उधर जा रहा है, पुलिस वालों की नजर पड़ी, बोला कौन है ये व्यक्ति जो खुले में राइफल लेके घूम रहा है। अब पुलिस वालों ने पकड़ लिया और जाके चेक किया तो पता चला कि ये तो नकली राइफल है। यानी एपोक्राइफल आपकी राइफल, और आपकी राइफल कैसी है, पुलिस वाले बोलते हैं आपकी राइफल नकली है। नेक्स्ट वर्ड है अपैथी। अपैथी का मतलब होता है उदासीनता, यानी डलनेस, बोरिंग, जी जीवन, उसे कहते हैं अपैथी। टीवी नहीं चल रहा क्या? वो इससे कनेक्ट नहीं है तो उसको सही करो, लड़के देखेंगे कैसे। देख लो 4 बजे से क्लास लाने की बात कर रहे हो, कहाँ थे आप लोग? देख लो, दिक्कत ना हो, आगे पीछे देख लो, इसमें से देख लो, इसमें से देख लो, किसी में देख लो।
हो गया देखिए। अरे वो चल क्यों नहीं रहा है, टीवी खराब है क्या वो? अच्छा वो हिल गया यहां से, अभी पूरा का पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। आप मैनेज करो, इधर देख लो उधर देख लो, आगे पीछे देख के मैनेज कर लो, आज भर उसको कल सही करा दिया जाएगा। क्लियर है? कोशिश करो देखने का, भाव समझना है सिर्फ। इसमें लगा है अपैथी। अपैथी का मतलब होता है उदासीनता, यानी कि डलनेस छा जाए, उदासी छा जाए, उसे कहते हैं अपैथी। अब अपैथी को याद करो पोथी से, यानी अपैथी पोथी, यानी कि सामने जब भी पोथी रख दी जाए और पोथी पढ़ने को बोल दिया जाए तो क्या छा जाएगा? उदासीनता छा जाएगी, डलनेस छा जाएगा, उदासी छा जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट साफ, यानी जो स्पष्ट है साफ है क्लियर है उसे कहते हैं अपेरेंट। होता है अपेरेंटली, एक शब्द होता है, जैसे किसी भी विचार पे आप अगर स्पष्ट हैं तो बोल दोगे कि अपेरेंटली। कैंडिड का सिनोनिम्स है, तो अपेरेंट को याद करो कि आपके पेरेंट, इसमें क्या लगा है पेरेंट, अपेरेंट पेरेंट, यानी आपके पेरेंट आपसे क्या रहते हैं, स्पष्ट रहते हैं, साफ रहते हैं, क्लियर रहते हैं, यानी आपके जो पेरेंट होते हैं वो आपसे स्पष्ट रहते हैं, क्लियर रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है असुंडर। असुंडर का मतलब होता है अलग अलग, डिवाइडेड, जो दूर से ही दिख जाए उसे कहते हैं असुंडर। असुंडर को याद करो सुंदर से, यानी जब कोई सुंदर है वो दूर से दिख जाता है, अलग अलग ही प्रतीत हो जाता है, यानी डिवाइड कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं असुंडर। नेक्स्ट वर्ड है आपका एड्रॉइड। एड्रॉइड का मतलब होता है दक्ष या निपुण, यानी कि बहुत ज्यादा ब्रेव है, दक्ष है, निपुण है। दक्ष का मतलब होता है कि कला में किसी भी, जो मान के चलो कोई भी पोजिशन है उसमें बड़ा दक्ष है, निपुण है। पेंटर हो गया, अब पेंटर मार रहा है, जो पेंट कर रहा है तो पेंट मारने में दक्ष है, उसे कहते हैं एड्रॉइड। तो एड्रॉइड को याद कर लो एंड्रॉइड से, कि एंड्रॉइड अपने आप में क्या है, दक्ष है, निपुण है। यानी कि पहले टॉर्च होता था, एंड्रॉइड आया खत्म, रेडियो होता था, एंड्रॉइड आया खत्म, अभी जैसे क्लास चल रहा है पूरा का पूरा एंड्रॉइड पे चलता है, यानी एंड्रॉइड अपने में क्या बनाया गया है, एड्रॉइड बनाया गया है, दक्ष बनाया गया है, निपुण बनाया गया है। यानी एड्रॉइड दिखेगा एंड्रॉइड आएगा, यानी एंड्रॉइड एड्रॉइड, दक्ष है, निपुण है। नेक्स्ट है आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ का मतलब होता है परिणाम। आफ्टरमैथ का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम। अब जैसे मैथ खत्म हो रही थी, अब जैसे मैथ पढ़ा रिजल्ट हो गया आपका, मतलब परिणाम हो गया आफ्टर मैथ, यानी मैथ और आफ्टर, मैथ पढ़ने के बाद क्या हो गया आपका, रिजल्ट हो गया, परिणाम हो गया। डेमो में आया था ना ये वर्ड, यानी आफ्टर मैथ का मतलब रिजल्ट। नेक्स्ट वर्ड है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड मतलब होता है भाग जाना, यानी किसी जगह को छोड़ के भाग जाने को एब्सकॉन्ड कहते हैं। बेसिकली ये नेगेटिव वर्ड है जो नेगेटिव चीजों को दिखाता है, होता है यानी भाग रहा है तो हो सकती है। सही है अभी नहीं है? अब चलिए अभी क्लियर है, क्लियर है ना पीछे वाले, वो सुनाई दे रहा है। अब देखो एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना, यानी भाग जाना का मतलब क्या है, बहुत सारी चीजें होती है जिसमें भाग जाना। बेसिकली इस शब्द का यूज किया जाता है कोई नेगेटिव काम, जैसे बहुत सारे आपने सुना होगा कि बैंक से पैसा लिया भाग गया, नीरव मोदी, विजय माल्या, उन्हें कहा जाता है एब्सकॉन्डर, यानी वो हो गया भगौड़ा और क्या कर दिया है, एब्सकॉन्ड कर दिया, यानी भाग गया है, उसे कहते हैं एब्सकॉन्ड। यानी एब्सकॉन्ड को याद करो अब से कांड, एब्सकॉन्ड अब से कांड, यानी अब से कांड बंद हो जाएगा, वो क्या हो गया है, भाग गया है, यानी एब्सकॉन्डर बन गया है, भगौड़ा हो गया है, उसे कहते हैं एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड अब से कांड, और अब से कांड नहीं होगा, वो क्या कर दिया है, भाग गया है। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट वर्ड है एवोल्यूशन। फिर से आ गया क्या ये? चलो पहला वर्ड क्या है, एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब यानी सुगंधित है, खुशबूदार है। अब लिखा है एपोक्लेप्टिक, सर्वनाश, विनाशकारी, डिजास्टर। एपोक्राइफल, फेक, डुप्लीकेट, नकली, यानी आपकी राइफल। अपैथी, उदासीनता। अपेरेंट,
अपेरेंट स्पष्ट साफ एस्युंडर अलग अलग एड्रॉइट दक्ष या निपुण आफ्टर मैथ परिणाम एब्सकॉन्ड भाग जाना एवोल्यूशन धार्मिक स्नान इसे कहते हैं क्या धार्मिक स्नान बताओ यहां तक तो कोई प्रॉब्लम आया पहला वर्ड है अगस्त अगस्त का मतलब होता है भव्य या शानदार यानी मैजेस्टिक है भव्य है शानदार है मार्वलस है उसे कहते हैं अगस्त तो अगस्त को याद कर लो 15 अगस्त से यानी कि 15 अगस्त क्रांतिकारियों का दिन यानी जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था यानी वो कैसा त्यौहार है भव्य त्यौहार है और शानदार त्यौहार है तो अगस्त का मतलब क्या हो गया भव्य या शानदार नेक्स्ट वर्ड है आपका एबोमिनेबल एबोमिनेबल का मतलब होता है घृणा योग्य यानी डिटेस्टेबल है घृणा योग्य है जो चीज क्या हो जो ना पसंद करा जाए यानी देखो घृणा का मतलब होता है कि जिसे पसंद नहीं करते हो यानी ना पसंद करने वाले हैं जो जिस चीज को या फिर उसे नफरत करते हैं घृणा करते हैं उसे कहते हैं एबोमिनेबल तो एबोमिनेबल को याद करो देखो यहां पर है अब्बू और यहां पर है मीना यानी अब्बू अब्बू जो है उनकी एज है 70 साल और मीना जो है उनकी एज है 50 साल 18 साल यानी कि दोनों का एज 70 साल और 50 साल है और डेली ये लोग क्या करते हैं पार्क में जाके झूला झूलते हैं अब ये काम कैसा है अब ये काम अच्छा है यानी ये काम अच्छा नहीं ये कैसा काम है ये घृणा योग्य है यानी 18 साल के लोग जाके क्या देखेंगे बोलेंगे घृणा योग्य काम है तो एबोमिनेबल अब्बू और मीना का जो काम है एबोमिनेबल है अब देखो एबल लगा है मतलब योग्य ही होगा यानी घृणा के योग्य है एबोमिनेबल है अब क्या करता है एग्जाम में एबोमिनेट कर देता है शब्द बदल जाएगा एबोमिनेबल कर देगा एबोमिनेट कर देगा एबोमिनेबिंग कर देगा सबका मतलब होगा घृणा योग यानी अलग अलग ग्रामेटिकल प्रोफाइल होंगे लेकिन मतलब वही होगा घृणा के योग नेक्स्ट वर्ड है अबॉर्टिव अबॉर्टिव का मतलब होता है असफल यानी कि अनसक्सेसफुल को बोलते हैं अबॉर्टिव तो अबॉर्टिव को याद करो अब और टीवी यानी अब और टीवी देखोगे तो क्या हो जाओगे असफल हो जाओगे बचपन में पूरे दिन टीवी देखा करते थे तो घर वाले क्या बोलते थे और ज्यादा टीवी देखोगे ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा यानी सीधा सा मतलब ये था कि असफल को दिखाते थे असफलता को दिखाते थे तो अब और टीवी देखोगे तो क्या हो जाओगे असफल हो जाओगे अनसक्सेसफुल हो जाओगे नेक्स्ट वर्ड है आपका एनेथिमा एनेथिमा का मतलब होता है अभिशाप यानी एनेथिमा का मतलब होता है कर्स अभिशाप अब देखो एक शब्द लगा है मेलेडिक्ट यानी मेल एक रूट वर्ड है उसका उल्टा होता है बैन अब लिखा है एनेथिमा एनेथिमा का मतलब हो गया अभिशाप तो देखो इसमें एनेथिमा में नहीं लग रहा है अनाथ की माँ यानी एनेथिमा अनाथ की माँ और अनाथ की माँ नहीं होती है क्योंकि उन्हें क्या मिला होता है अभिशाप मिला होता है कर्स मिला होता है मेलिडिक्शन मिला होता है यानी उसे अभिशाप मिला होता है तो एनेथिमा का मतलब अभिशाप नेक्स्ट वर्ड है अडेज अडेज का मतलब होता है कहावत यानी अडेज का मतलब होता है कहावत युक्ति वचन नीति वचन उसे कहते हैं अडेज अब अडेज को याद करो आधी एज से इसमें लगा है एज और एडी को याद कर लो आधी एज यानी जिनकी आधी एज हो जाती है वो क्या सीख लेते हैं कहावत करना यानी हर बात में जिसके घर में दादा उदाजी होंगे जरूर जानता होगा यानी घर में क्या कि अगर 6-7 बजे सो के उठ गए 6-7 बजे उठने का टाइम है उठ रहे हो 6-7 बजे हम तुम्हारी उम्र के थे तो 4 बजे उठा करते थे 3 बजे उठा करते थे बोलते होंगे सच्चाई ये है कि 10 बजे से पहले नींद नहीं खुलती होगी होता है कि बोलेंगे कि 4 बजे उठा करता था 3 बजे उठा करता था देखो ये अलग अलग सिद्धांत है यानी अलग अलग सिद्धांत समझ में नहीं आता है मुझे भी एक बार पता चला कि सुबह उठने से बड़ा अच्छा होता है दिन अच्छा जाता है मैं सुबह 4 बजे उठा 4 बजे उठ के देखा एक तो उठने का मन नहीं करा जबरदस्ती उठा अलार्म लगा के उठा 4 बजे उठा कि दिन मेरा पूरा अच्छा जाएगा पूरा समय मिलेगा पूरा का पूरा दिन बेकार ऐसा लगा कि नशा सा कुछ आ रहा है बॉडी में एनर्जी नहीं लगा कोई चूस लिया है यानी इस तरीके से बना था पूरा का पूरा दिन बेकार तो सुबह में उठना कोई जरूरी नहीं है आराम से 6-7 बजे उठो पूरा दिन यूटिलाइज कर लो अब ये जो है पूरा का पूरा कहावत कौन कहते हैं आधे उम्र के लोग तो यानी अडेज आधी एज और आधी एज के लोग जो क्या कहते हैं कहावत करते हैं मैगजीन कहते हैं युक्ति वचन कहते हैं नेक्स्ट वर्ड है आपका एडहेरेंट एडहेरेंट का मतलब होता है समर्थक या अनुयायी यानी कि जो किसी का सपोर्टर हो गया जो किसी का अनुयायी हो गया उसे एडहेरेंट कहेंगे जैसे आप लोग एक शब्द बोलते हो सपोर्टर जैसे कोई बीजेपी का सपोर्टर है कोई कांग्रेस का सपोर्टर है कोई आरजेडी का सपोर्टर है यानी जितनी पार्टियों के सपोर्टर हैं
उनको आप सपोर्टर कहते हो, उसे एडहिरेंट भी कहा जाता है। या फिर कोई एक बहुत बड़े महात्मा जैसे आसाराम बापू जैसे कोई है, उनका कोई अनुयायी हो गया राम रहीम जैसे, तो उनको बोलेंगे एडहिरेंट। यानी कि मान के चलो अच्छे में ले लो किसी को, कोई अच्छा वाला है, वो क्या हो गया, उसके अनुयायी बन गए, उसको एडहिरेंट कहते हैं। यानी अनुयायी है, समर्थक है। याद कैसे करोगे, तो देखो यहां लगा है आधे और रेंट, यानी एडहिरेंट आधे और रेंट। जो जिसका सपोर्टर होता है कहता है कि आधे रेंट दे के रह जाना इसमें, जैसे किसी का सपोर्ट कर रहा है जहां बोलो वैसा चला जाए। कोई लॉज है और पटना में कोई ऐसा लॉज बना दिया और बोला कि आधे रेंट सबसे 6,000 रहते, तुम 3,000 दे देना। क्यों? क्योंकि तुम समर्थक हो या अनुयायी हो। यानी समर्थक और अनुयायी एक स्पेशल शब्द हो गया। सीधा सा समझ लो सपोर्टर, जो सपोर्ट करने वाला है वो आधा रेंट दे के रहता है। तो एडहिरेंट आधा रेंट। क्यों आधा रेंट दिया? क्योंकि क्या है, वो सपोर्टर है, अनुयायी है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल का मतलब होता है अचानक। एक्सीडेंटल का मतलब होता है कि अचानक से जिपी हो गया, अब इसका मतलब हो गया एक्सीडेंटल। अब एक्सीडेंटल को याद कैसे करोगे, तो एक्सीडेंटल एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट बता के होता है। यानी इधर से आया, इधर से इधर आया, यानी कि दो अचानक से आए और अचानक से क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट होता है एक्सीडेंटली। अब एक्सीडेंटल है, एक्सीडेंटली हो जाएगा। यानी एक्सीडेंटल का मतलब क्या हो गया, अचानक। यानी एक्सीडेंट होता है अचानक से। नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड है अबाउंड। अबाउंड का मतलब होता है प्रचुर। यानी अबाउंड का मतलब होता है प्लेंटीफुल, प्रचुर मात्रा में, उसे कहते हैं अबाउंड। अब अबाउंड को याद करो, यह हालांकि याद भी होगा आपको। अबाउंड ए और बाउंड को याद कर लो बूंद से, यानी एक एक बूंद से क्या हो जाता है, भंडार लग जाता है, विशाल हो जाता है। होता है कि नहीं? भारत में सब, भारत नहीं विश्व का बताओ, विश्व में सबसे ज्यादा पानी रखने वाली नदी कौन सी है? सबसे ज्यादा पानी रखती है नील नदी, अमेजन नदी है शायद। यानी सबसे ज्यादा पानी स्टोर करने वाली नदी है अमेजन। अमेजन का जो उद्गल, मतलब जहां से ओरिजिन पॉइंट है, वहां से पता है आपको एक एक बूंद दिखा जा सकता है। यानी कि एक एक बूंद जो पानी निकल रहा है उसको आप देख सकते हो, अमेजन नदी का जो ओरिजिन पॉइंट है। तो उसे ही कहते हैं, एक एक बूंद से पूरा का पूरा तालाब भर जाता है। तो उसे ही कह दो अबाउंड है, यानी कि प्रचुर है, प्लेंटीफुल है। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। तो अबाउंड, अबाउंड, अबूंद और एक एक बूंद से क्या हो गया, प्रचुर हो गया। हालांकि यह शब्द आपको याद भी होगा अबाउंड। अब देखो अबाउंड से बना होता है अबंडेंट। अबंडेंट भी इसी का शब्द है। नेक्स्ट वर्ड है एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब होता है उकसाना। एग्रावेट का मतलब होता है स्थिति को बिगाड़ देना। अब जैसे एग्रावेट का मतलब होता है कि किसी भी चीज को मतलब बिगाड़ देना, बद से बदतर बना देना। एक ईडियम कहा जाता है, पुट द सॉल ऑन द वाउंड, यानी कि जले पर नमक छिड़कना, यानी बद से बदतर बना देना। एड फ्यूल टू द फ्लेम, आग में घी डालना, बद से बदतर बना देना। उसी का मतलब होता है एग्रावेट करना, यानी उकसा देना। अब उकसाना कैसे है, जैसे एग्रावेट को याद कर लो अगरबत्ती से, एग्रावेट अगरबत्ती। जैसे बर्थडे पार्टी में कभी गए होगे, बर्थडे पार्टी में बलून लगा होता है, अब बलून को कैसे फोड़ते हैं, अगरबत्ती से। यानी अगरबत्ती से क्या, ज्यादातर हाथ से तो फोड़ने लगे हैं। यानी कि जो अगरबत्ती है वो किसी भी चीज से, अब मान के चलो छोड़ो बलून को छोड़ दो, कोई व्यक्ति आगे खड़ा है, पढ़ने आए हो, एक अगरबत्ती लेके आए जला के और पीछे उसको छुआ दिया, अब बताओ उकसेगा कि नहीं। उसी को कहते हैं एग्रावेट कर देना, उकसा देना। यानी अगरबत्ती से क्या कर दिया, एग्रावेट कर दिया, उकसा दिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका अभोर। अभोर का मतलब होता है घृणा करना, यानी घृणा करना, डिटेस करना, नफरत करना, किसी भी चीज से नापसंदगी, डिसलाइक को क्या कहते हैं, अभोर कहते हैं। अभी एक आया था वर्ड, क्या था, एबोमिनेबल, सब था ना। एबोमिनेबल का भी मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना, और ये भी है अभोर का मतलब घृणा करना, नफरत करना। अब देखो अभोर को याद कर लो भोर से। भोर का मतलब होता है सुबह का समय, वही जो 3-4 बजे की बात बता रहा था उसी को कहते हैं भोर का समय। और सभी लोग भोर के समय में उठने से क्या करते हैं, घृणा करते हैं, यानी डिसलाइक करते हैं, नापसंद करते हैं, उसे ही कहते हैं अभोर। अब अभोर से ही बहुत सारा शब्द बना होता है, अभोर, अभोरेंस, अभोरिंग, यानी बहुत सारे शब्द बनेंगे, लेकिन मतलब सबका क्या होगा, घृणा करना, नापसंद करना। अब मुझे बताओ सारे शब्द याद है कि नहीं। पहला है अगस्त, यानी भव्य या शानदार। एबोमिनेबल घृणा योग, एक मिनट, एबोमिनेबल का मतलब घृणा योग। अब अभोर का मतलब घृणा करना,
यानी ये एबल लगा है। अब एबल का मतलब होता है योग्य, और इसमें नहीं लगा है तो अभोर का मतलब घृणा करना। अब बताओ ये वर्ब है कि नहीं, कैसे पता, ना चेक कर लो हिंदी में। अब देखो अबॉर्टिव, यानी अब और टीवी देखोगे तो क्या हो जाओगे, असफल हो जाओगे। एनाथीमा, अभिशाप मिला है, कर्स मिला है, अनाथ की मां। अडेज, कहावत। एडिरेंट, एडिरेंट सपोर्टर या अनुयायी, यानी आधे रेंट पे कौन रखेगा, जिसका तुम सपोर्ट करोगे अनुयायी रखोगे। एक्सीडेंटल, अबाउंड, एग्रावेट, यानी किसी चीज को उकसाना, किसी चीज को बद से बदतर बना देना। क्लियर है, बताओ यहां तक कोई डाउट, इसके पहले से कोई डाउट, अगर इसके पहले कोई डाउट होगा तुरंत पूछो, उसके बाद तुरंत आगे बढ़ते हैं। पहला वर्ड है आपका अबेस। अबेस का मतलब होता है नीचा दिखाना, यानी अबेस का मतलब होता है ह्यूमिलिएट करना, मान मर्दन करना, किसी को नीचा दिखाना। अब नीचा दिखाने का सेंस आप सबको पता होगा, जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई ऐसा काम कर दिया, उसको दूसरे तरीके से आपने समझाया, उसे नीचा दिखा के। बेसिकली दो शब्द होता है, एक होता है आपका अबेस और दूसरा शब्द है आपका अबेस, यानी ये शब्द है। एग्जाम में बड़ा कंफ्यूज करता है कि ये वाले अबेस में और इस वाले अबेस में क्या फर्क है। पीछे तक दिख रहा है ये, यानी यहां लगा है ए बी ए सी और यहां लगा है ए बी ए एस एच, यानी इस अबेस का मतलब होता है नीचा दिखाना और इसका मतलब होता है कि शर्मिंदा करना। अब जैसे देखो इस वाले को समझा देता हूं पहले, यानी इसमें शब्द लगा है बेस, क्या कर देना, बेस। अब बेस का मतलब ही होता है कि किसी के लेवल को गिरा देना, यानी अबेस कर दिया, किसी के लेवल को गिरा दिया, उसे कहते हैं अबेस। बेसिकली याद कैसे करेंगे, तो अबेस, अब अबेस को याद कर लो ए फॉर ए, और बेस को याद कर लो भैंसे से। कोई व्यक्ति है आपको बोल दिया ए भैंसे, ओ भैंसे, इसका मतलब क्या किया, उसे प्रोत्साहन किया, उसकी प्रशंसा किया, आपने क्या कर दिया उसका, उसे नीचा दिखाया, यानी अबेस कर दिया। अब इसी से होता है डिबेस, एक शब्द बनता है, यानी अबेस हो या डिबेस हो, दोनों का मतलब क्या होता है, नीचा दिखा देना, किसी के मान को घटा देना, किसे मान वर्धन कर देना, ह्यूमिलिएट कर देने को क्या कहते हैं, अबेस। दूसरा शब्द है आपका अबेस, यानी ये क्या है, वो था अबेस और ये है अवैश, यानी अवैश का मतलब क्या हो गया, शर्मिंदा कर देना, एम्बैरेसमेंट कर देना, उसे कहते हैं शर्मिंदा करना। यानी नीचा दिखा दिया किसी को तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो शर्मिंदा फील करेगा, किसी को नीचा दिखाया तो क्या कर लिया, अबेस फील कर लिया। अब इसको याद कैसे करोगे, तो अबेस को याद करो अब और ऐश्वर्या, अब ऐश्वर्या के सामने सलमान खान खड़े हो जाएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, यानी ऐश्वर्या क्या हो जाएगी, यानी शर्मिंदा कर देगा, यानी अब ऐश, यानी अब ऐश जो है सलमान खान को देख के क्या हो जाती है, शर्मिंदा हो जाती है। तो अबैश और अबेस याद रहेगा। देख लो जितने भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, इन बड़े बड़े एग्जाम में या फिर जो क्लोज टेस्ट आप पढ़ते हो, क्लोज टेस्ट में ऐसे ही क्वेश्चन लगाते हैं कि आप समझ नहीं पाओगे कि कौन सा है अबेस है, अबेस है, दोनों में से होगा कौन। देखो एक जैसे शब्द है कि नहीं, दोनों एक जैसे, जल्दी याद नहीं होता है, अब याद हो गया होगा आपको। तो अबेस जैसे बेस होता है किसी चीज का मूल्य है, मूल्य को नीचे गिरा दिया, अबेस कर दिया, और यह है अबैश। अबैश का मतलब क्या हो गया, शर्मिंदा करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब होता है दुस्साहस, यानी दुस्साहस का मतलब होता है बोल्डनेस, यानी ऑडेसिटी होते कहते हैं जिसे कोई ढीठ है, अखड़ है, उसे कहते हैं ऑडेसिटी। अब ऑडेसिटी को याद करो ऑडिनसिटी, ऑडेसिटी, ऑडिनसिटी। अब जैसे 16-17 साल का कोई लड़का है, अब 16-17 साल के लड़के को कोई ऑडी कार खरीद के कोई दे दिया तो उसको कैसे, उसके अंदर अपने आप ढीठ आ जाएगा, अपने आप उसके अंदर दुस्साहस आ जाएगा, यानी कि वो किसी से भी बात करेगा तो अच्छे टोन में बात ही नहीं कर सकता है, वो बात करेगा जैसे लगे दुस्साहस के। यानी ऑडेसिटी, यानी ऑडिनसिटी, जितने भी ऑडी चलाने वाले हैं सिटी में, सबके सब क्या होते हैं, दुस्साहस होते हैं। अब देखो शब्द है ऑडेसिटी, अब एक शब्द बना होता है ऑडेसियस, यानी ऑडेसियस का मतलब होता है ढीठ, ये क्या हो गया, दुस्साहस, ढीठ, दोनों एक ही शब्द है, ऑडेसिटी, ऑडेसियस, यानी कहने का मतलब हो कि ऑडेसिटी हो या ऑडेसियस हो, मैंने कराया है ऑडेसिटी, एग्जाम में आ गया ऑडेसियस, यानी इसका मतलब क्या हो गया, ढीठ, अकड़। लोग बोलने के टर्म में यूज करते हैं लुक एट दिस ऑडेसिटी, यानी उसके ढीठ को तो देखो, जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति है, अब उस व्यक्ति से कोई गलती हो गई, ऐसे नहीं कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एक दो गलती किया दोबारा से बोल भी रहा है, इसका मतलब बोलेंगे लुक एट दिस ऑडेसिटी, उसके अखड़पन को तो देखो, उसके दुस्साहस को तो देखो, किस तरीके से बात कर रहा है। तो ऑडेसिटी याद रहेगा, ऑडेसिटी, ऑडिनसिटी, और ऑडिनसिटी, ऑडी कार चलाने वाले सिटी में कैसे होते हैं,
दुस्साहस होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अबडक्ट। अबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना, अबडक्ट का मतलब होता है किडनैप करना, उसे कहते हैं अबडक्ट। यानी अबडक्ट मतलब किडनैप करना, अपहरण करना। अब अबडक्ट को याद करो कि अब डकैत, अबडक्ट अब डकैत, यानी अब डकैत जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, ओमनिकार से अब उससे करते हैं, अब इनका तरीका बदल गया है। यानी अब जो डकैत है वो क्या करते हैं, अपहरण इससे नहीं करते, या फिर जो भी तरीका है कि अब डकैत ने अपहरण करना छोड़ दिया है, अब डकैत अपहरण करना शुरू कर दिए हैं। तो यानी शब्द बनेगा अब डकैत से ही, यानी अब डकैत यानी अबडक्ट, अब डकैत यानी अबडक्ट। अबडक्ट का मतलब क्या हो गया, अपहरण करना। यानी ओमनी वाला है ही, एक पता नहीं एक नहीं वायरल हुआ था, अरे ये हम हैं, ये हमारी कार है, हमारी पारी हो रही है, और देखे नहीं तो पीछे यही तो गाड़ी थी, और इसी गाड़ी से हमारे यहाँ डकैती जो होते हैं किडनैप कर लेते हैं। शुक्र करे कि इंडिया में नहीं थी, पाकिस्तान में तो छूट गई, नहीं तो आता कोई सरफीरा बोलता अच्छा हो तुमको पार्टी दिखाते हैं, ये किसके काम में आता है उसको पता ही नहीं है। तो अबडक्ट का मतलब क्या होता है, अपहरण करना, किसी का किडनैप करना। नेक्स्ट वर्ड है एम्पलीफाई। अब एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, मैग्नीफाई कर देना, किसी चीज को बढ़ा देना। जैसे एक शब्द आपने सुना होगा एम्पलीफायर को, एम्पलीफायर से जो शब्द बना है एम्पलीफायर, वो एम्पलीफाई से ही बना है। एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना। बताओ ये नाउन एडजेक्टिव वर्ब क्या है, नाउन नहीं है, क्या है ये, वर्ब है। मैंने बताया तो था कि अगर ना लगा हो या ना लगाने से लग जाए वर्ब होगा, यानी ये है वर्ब यानी बढ़ाना, और लेकिन मैंने कर दिया एम्पलीफायर, यानी एम्पलीफायर मतलब बढ़ाने वाला, यानी जो सामान है उसे कहते हैं एम्पलीफायर। यानी एम्पलीफायर से क्या किया जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है, बढ़ाया जाता है, यानी एम्पलीफायर का काम होता है आवाज को बढ़ा देना। नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड है एब्जॉल्व। एब्जॉल्व का मतलब होता है दोष से मुक्त कर देना। जैसे किसी पे कोई चार्जेस लगे और चार्जेस से उसे दोष से मुक्त कर दिया, यानी उस पे जितने भी दोष थे उस दोष को हटा दिया, रिवोक कर दिया, उसे कहते हैं एब्जॉल्व। यानी एब्जॉल्व मतलब दोष मुक्त करना। अब एब्जॉल्व को याद करो कि अब एब्जॉल्व अब सॉल्व, यानी अब उसका केस सॉल्व हो गया है, उसे क्या कर दिया गया है, दोष मुक्त कर दिया गया है, यानी दोष मुक्त करना। अब उसका केस क्या हो गया है, एब्जॉल्व हो गया है, दोष मुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका। एब्सर्ड का मतलब होता है इलॉजिकल। जैसे कोई भी चीज ऐसी होती है कि मान के चलो कोई बात हो रही है किसी का किसी ना किसी के बीच में, अब क्या आया कि कोई तीसरा आया और बिना सर पैर का बात करने लगा, यानी उसका कोई लॉजिक नहीं है और बात किया जा रहा है, उसे ही कहते हैं एब्सर्ड। एब्सर्ड आपको याद भी होगा, बड़ा कॉमन सा वर्ड है। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, इलॉजिकल, उसे कहते हैं एब्सर्ड। याद कैसे करोगे, तो यहां लगा है अब और सर, यानी अब सर में दर्द शुरू होगा वो कैसी बातें करेगा, एब्सर्ड बातें करेगा, यानी बेतुका बातें करेगा, इलॉजिकल बातें करेगा, उसे क्या कहते हैं, एब्सर्ड कहते हैं, बेतुका कहते हैं। सुनो, टाइम पे काहे नहीं आते हो, एब्सर्ड का मतलब क्या हो गया, बेतुका। नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट है आपका अक्यूट। अक्यूट का मतलब होता है तीक्ष्ण, अक्यूट का मतलब होता है शार्प। अब शार्प आपका फिजिकल भी हो सकता है और आपका मेंटली भी हो सकता है। अब शार्प मतलब जैसे कोई किसी ने बात कह दी, अब बात क्या कह दी, कि कोई व्यक्ति है, दो दोस्त है। अब मैंने देखा है कि दो दोस्त अगर पक्के दोस्त हो, उस बात की पहचान है कि दोनों एक दूसरे के नाम से बुलाते ही नहीं है, एक दूसरे का कोई ना कोई निकनेम रखा होता है, नाम तो बोलते ही नहीं। अगर बेस्ट फ्रेंड होने का मतलब क्या है, नाम होगा ही नहीं। अब क्या बोल रहा है, किसी को बोल रहा है, ऐसे कोई दोस्त है, उसने बोल दिया एक कुत्ते, यानी अक्यूट एक कुत्ते। अब ऐसा बोल दिया तो ये बात उसको क्या तीक्ष्ण नहीं लगेगा, सभी अगर बोल देंगे ऐसे, यानी शार्प लगेगा। यानी किसी की कही गई बात अगर ज्यादा शार्प लगती है उसे अक्यूट कहते हैं। जैसे कोई ऐसा हथियार है जो बहुत ज्यादा शार्प है, तीक्ष्ण है, उसे कहते हैं अक्यूट। तो अक्यूट को याद रखोगे, यानी अक्यूट ए कुत्ते, उसको बोला ए कुत्ते तो ये बात उसको कैसी लग गई, तीक्ष्ण लग गई, यानी शार्प वाली बातें लग गई। नेक्स्ट वर्ड है आपका एसेंचुएट। एक्सेंचुएट का मतलब होता है जोर डालना, किसी चीज पे एम्फसाइज करना, जोर डालना। जैसे मैं सारे शब्दों को मैं जोर डाल के बता रहा हूं, हर तरीके से प्रयास कर रहा हूं, हर संभव प्रयास कर रहा हूं, उसे कहते हैं एसेंचुएट। अब एसेंचुएट को याद करो, एसेंचुएट ऐसे करो इट, एसेंचुएट ऐसे करो इट। जैसे बचपन में जो हम खाना वाना खाते थे तो मम्मी होती थी क्या करती थी, बोलती कि ऐसे नहीं खाना है, यानी ऐसे मत खाओ ऐसे खाओ, यानी ऐसे मत करो इट ऐसे करो इट। इस बात पे क्या करती थी, जोर डालती थी।
एम्फसाइज कर देना, किसी पर दबाव बना देना, किसी पर जोर डाल देने को क्या कहते हैं? एसेंचुएट कहते हैं, यानी जोर डालना, दबाव देना एसेंचुएट कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका अरेन। अरेन का मतलब होता है दोषी ठहराना, यानी इम्पीच करना, किसी पर किसी को बोल देना दोषी ठहराना। अभी आपने एक शब्द किया था एब्जॉल्व। एब्जॉल्व का मतलब क्या है? दोष से किसी को मुक्त कर देना। अब ये क्या है? दोषी ठहरा देना। अब बताओ कि सिनोनिम्स हुआ कि एंटोनिम्स हुआ कि नहीं? वो क्या कर रहा है? दोष से मुक्त कर दे रहा है, और ये क्या कर दे रहा है? दोषी ठहरा दे रहा है, यानी एक दूसरे के क्या हो गए? दूसरे के एंटोनिम्स हो गए। अब अरेन को याद करो कि अरेन, देखो यहां लगा है अरेन यानी ए आर अरेन, और यहां है गन यानी अरेन, अरे गन, अरे उसके घर में गन है इसलिए उसे क्या कर दिया गया? दोषी ठहरा दिया गया। जैसे किसी के घर, संजय दत्त के घर में गन मिला था तो इसलिए उनको क्या कर दिया गया? दोषी ठहरा दिया गया। तो अरे गन, उसके घर में क्या मिला है? गन मिला, तो उसकी वजह से उसे दोषी ठहरा दिया गया। अब बताओ पहला शब्द है एम्पलीफाई, किसी चीज को बढ़ा देना, और एम्पलीफायर बढ़ाने वाला, यानी एम्पलीफाई का मतलब बढ़ाना, एब्जॉल्व दोष मुक्त करना। अब बताओ कि एब्जॉल्व का मतलब दोष को कर हो गया, अरेन का मतलब दोषी ठहराना, एक दूसरे क्या हो गए? एंटोनिम। अब एब्सर्ड का मतलब, यानी बेतुका, बिना लॉजिक का, बिना सर पैर का। अक्यूट, शार्प, तीक्ष्ण, अक्यूट कहलाता है। एसेंचुएट, एम्फसाइज करना, जोर डालना एसेंचुएट कहलाता है। अबेस, अबेस का, अब देखो यहां है अबेस, अब इसमें क्या दिख रहा है? बेस, यानी किसी को डिबेस कर दिया गया, मान मर्दन कर दिया, ये क्या हो गया? नीचा दिखाना। यहां पर है अबैस, यानी ऐस से क्या याद आएगा? यानी ऐश्वर्या, शर्मिंदा करना। अब लगा है अबडक्ट, अरे अबडक्ट का मतलब किडनैप कर लेना, किसी को क्या कर लेना? किडनैप कर लेना, अपहरण करना। ऑडेसिटी, ऑडेसिटी का मतलब दुस्साहस। पहला वर्ड है एडजर्न। एडजर्न का मतलब होता है टालना, या फिर सीधा सीधा हिंदी शब्दों में कहें तो स्थगित करना। जैसे किसी चीज को टाल देना, स्थगित कर देने को कहते हैं एडजर्न। जैसे आपने सुना होगा इस बहुत सारे मूवीज में बोलते हैं कोर्ट इज एडजर्न फॉर टुडे, सुना है? यानी आज के लिए, आज का जो सेशन है उसको स्थगित किया जा रहा है। आज के सेशन को क्या किया जा रहा है? स्थगित किया जा रहा है। बिल्कुल ऑनलाइन आप लोगों को पीडीएफ आज अपलोड हो जाएगी वो कैब वाली। तो एडजर्न का मतलब होता है टालना, एडजर्न का मतलब होता है स्थगित करना। तो एडजर्न याद कर लो, कोर्ट इज एडजर्न टुडे, यानी आज की कोर्ट क्या कर दी जा रही है? स्थगित करनी जा रही है। क्योंकि आप सबको पता है कि जितने भी हाई कोर्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गए, उन सारी चीजों में दलीलें सुनी जाती है, और जो दलीलें सुनी जाती है वो एक दिन का विषय नहीं है, अलग अलग दिनों में चली जाती है। हियरिंग आपने सुना होगा तो बहुत दिनों में लगते हैं, इसलिए आज की जो सेशन है, आज का जो मैटर है, उसे क्या किया जा रहा है? स्थगित किया जा रहा है, यानी टाल दिया जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड है अले। अले का देखो दो शब्द होता है, एक अले है और एक है अले। इन दोनों का मतलब समझेंगे। अले का मतलब होता है दोस्त, अले का मतलब होता है कि जो करीबी है, दोस्त है। ज्यादातर आप ये समझो कि क्लोज टेस्ट जो आता है उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन डालेंगे, यानी एक ही जैसे शब्दों को डाला जाता है। तो अले का मतलब होता है दोस्त, यानी अले को याद कर लो अली से, कि अली नाम का आपका क्या है? एक दोस्त है, आपका एक फ्रेंड है। तो अली का मतलब क्या हो गया? दोस्त हो गया, भाई, बंधु, सका, उसे कहते हैं अली। यहां देखो अले है, यानी अले का मतलब होता है शांत करना, अले का मतलब होता है शांत करना, अपीज करना, उसे कहते हैं अले। बहुत सारे शब्द आते हैं अले के, यानी बहुत सारे शब्द आते हैं शांत करने के। ट्रैंक्यूल आता है, अले आता है, एक्सेंचुएट आता है, उसे कहते हैं अले। अब अले का मतलब होता है शांत करना। छोटा बच्चा होता है, जो छोटा वाला बच्चा जब रोने लगता है तो क्या कहते हैं? अले ले ले, यानी ऐसे करके क्या करते हैं? उसे शांत कराते हैं। तो अले का मतलब शांत करना। दोनों शब्द याद रहेगा, एक शब्द है आपका ए डबल एल वाई, और इसमें क्या है? अले। ये क्लोज टेस्ट में बहुत फंसाता है। खासकर मुझे एक बात बताना कि इसमें से कितने लोग ऐसे हैं या फिर ऑनलाइन में जो बैंक की तैयारी करते हैं? एकादुका लोग हैं, मतलब चार पांच लोग हैं, अवॉइड तो नहीं कर सकते। तो ऐसे शब्द होते हैं जितने क्लैट एग्जाम हो गए, बैंक के एग्जाम हो गए, उसमें आता है ये। तो अले का मतलब शांत करना, ट्रैंक्यूल करना, उसे कहते हैं अले। तो अले ले से याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका एस्यूज। एस्यूज का मतलब ही होता है शांत करना। एस्यूज का मतलब होता है शांत करना, मिटिगेट करना, स्लेक करना, ट्रैंक्यूल करना, उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं
अस्यूज या फिर अले। तो अले को अले याद हो गया, ये है अस्यूज। अब ऐसे दो लोग हैं, एक पेशेंट है और एक डॉक्टर है। पेशेंट बड़ा परेशान है अपने तबीयत को लेके, अपनी बीमारी को लेके, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कोई दवाई दिया और उसको बोला कि ऐसे करो यूज, अस्यूज ऐसे करो यूज, यानी ऐसे करो यूज बता के क्या कर दिया, उसे शांत कर दिया। तो अले और अस्यूज याद रहेगा, यानी इसका मतलब होता है शांत करना। अपीस का मतलब भी होता है शांत करना, तो अस्यूज मतलब शांत कर देना। नेक्स्ट है अवर्जन। अवर्जन का मतलब होता है नापसंद करना, यानी डिसलाइक करना, एवरेंस करना, डिटेस्ट करना, उसे कहते हैं। बहुत सारे शब्द आते हैं, उनमें से एक शब्द क्या है, अवर्जन। तो अवर्जन का मतलब नापसंद, यानी किसी चीज से नापसंदगी हो उसे कहते हैं अवर्जन। याद कर लो इसे, ए फॉर एप्पल और वर्जन वर्जन, यानी एप्पल के वर्जन से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नापसंद करते हैं। ऐसा होता है क्या? एक बार ऐसे ही पढ़ा रहा था, बोले थे कि सर सबका सपना होता है कि एप्पल का वर्जन चलाए। मैंने बोला कोई बात नहीं, एप्पल की जगह पर एंड्रॉयड कर लो, तुम्हारे लिए एंड्रॉयड हो गया। तो अवर्जन सीधा मतलब ये है कि एंड्रॉयड का वर्जन या एप्पल का वर्जन बहुत लोग क्या करते हैं, नापसंद करते हैं। तो नापसंद करने को क्या कहते हैं, अवर्जन करना, डिसलाइक करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका आर्टिकुलेट। एक आर्टिकुलेट होता है, एक आर्टिफाइस होता है। आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट, आर्टिकुलेट का मतलब एक शब्द कराया था कौन सा, अपेरेंट कराया था, यानी अपेरेंटली कराया था, और ये क्या हो गया, ये हो गया आर्टिकुलेट। यानी आर्टिकुलेट का मतलब स्पष्ट, ल्यूसिड हो, क्लियर हो, ऑब्वियस हो, उसे कहते हैं आर्टिकुलेट। अब आर्टिकुलेट को याद करो किस प्रकार से होगा, आर्टिकुलेट आरती क्यों लेट, आर्टिकुलेट आरती क्यों लेट। एक मतलब काम करने वाली है आरती, अब जो ऑफिस में क्या कर रही है, हमेशा लेट कर दे रही है, अब यानी हमेशा लेट कर दे रही है, इसीलिए सवाल क्या पूछा जा रहा है कि आरती क्यों लेट करती है, इसके बारे में क्या करे, स्पष्ट बताए, यानी स्पष्ट क्लियर करे कि क्यों लेट होता है। तो आर्टिकुलेट का मतलब क्या हो जाएगा, स्पष्ट। अपेरेंट का मतलब क्या हो जाएगा, ओबियस हो, फ्रैंक हो, क्लियर हो। एक शब्द बड़ा फेमस है, ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब ही होता है क्लियर, स्पष्ट होता है। अब देख लो, आर्टिकुलेट था, ये आर्टिफाइस है। आर्टिफाइस का मतलब क्या होता है, अब चलाक, ये कौन सा, देख के तो लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा चलाक, यानी पॉजिटिव वाला है, इसीलिए मैं पूछा कि बैंक वाले कितने हैं। कभी कभी क्या करता है कि आप लोग देखे हुए कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन में क्या करता है कि वॉट इज द टोन ऑफ द पैसेज पूछता है, पूछता है, जो लोग पढ़े होंगे, यानी वॉट इज द टोन ऑफ द पैसेज मींस कि जो आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो उसका सेंस क्या कह रहा है, आपको समझ में ऐसे आएगा। मुझे एक बात बताओ, भारतीय संविधान का भाग 3 क्या कहता है, फंडामेंटल राइट्स। आप मुझे बताओ कि फंडामेंटल राइट्स का जो सेंस है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव में कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाओ, बिल्कुल। तो फंडामेंटल राइट्स जो अधिकार है, देखो, यानी वो जितने भी चीजें हैं वो नेगेटिव सेंस देता है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि आर्टिकल 15 कहता है कि देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द रिलीजियस, कास्ट, रेस, बर्थ प्लेस, यानी कहने का मतलब है कि किसी भी प्रकार का छुआछूत नहीं किया जाएगा। इसके बाद क्या अलग अलग आते हैं कि जैसे आता है अस्पृश्यता, आता है अनटचेबिलिटी, तो यानी बोला कि छुआछूत नहीं किया जाएगा, उनको उनकी मौलिक अधिकारों से मुक्त नहीं किया जाएगा। सब में सेंस क्या आ रहा है, नॉट, तो नेगेटिव बताता है। वैसे ही सेंस क्या है इसका, नेगेटिव। जैसे कभी कभी कोई ऐसे नहीं होते हैं कि चलहाकी दिखाने में फंस जाते हैं, होता है, यानी कि चलहाकी दिखा रहे हैं उसी में फंस गए, उसी को कहते हैं आर्टिफाइस। और इसी बात को ऐसे आर्टिकुलेट, आरती क्यों लेट करती है इसको बताने के चक्कर में वो क्या हो गई, चलहाकी दिखाने में आरती क्या हो गई, फंस गई, बताने में फंस गई, क्योंकि अपने आप को क्या बन रही थी, चलहाक बन रही थी। तो आर्टिकुलेट का मतलब क्या होगा, स्पष्ट, और आर्टिफाइस का मतलब होगा चलहाक। नेक्स्ट है आपका अपबीट। अपबीट का मतलब होता है कम करना, अपबीट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, लेसन करने को क्या कहते हैं, अपबीट कहते हैं। तो अपबीट में भी दो शब्द आता है, एक है ए बी ए टी अपबीट, और एक होता है ए बी ई टी। तो अपबीट, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का आपने सुना होगा कि किसी चीज को, किसी व्यक्ति को इतना आप टॉर्चर कर दो कि वो क्या कर ले, सुसाइड कर ले, तो अबेटमेंट वहीं से बना होता है। ये है आपका अपबीट। अपबीट को याद करो, अबेट योर वेट, अपना वेट कम करो, यानी अबेट अपना वेट, अबेट वेट, यानी अपना वेट क्या करो, कम करो, यानी क्या करना, कम करने को क्या कहते हैं, अपबेट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका
एडाप्ट, अडाप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, यानी अनुकूल का मतलब क्या होता है, खासकर ये हिंदी शब्द है, एडाप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, यानी नहीं कहते हैं कि जैसा देश वैसा भेष, यानी गांव में गए गमछा लगा के घूमने लगे, यानी क्या कर लिया अपने आप को गांव के अकॉर्डिंग बना लिया, अब शहर गए शहर में क्या शर्ट खोल के घूम रहे हो, तो यानी कि शहर के हिसाब से क्या बना लिया, एडाप्ट बना लिया, यहीं से आता है एडाप्टेशन पावर, यानी एडाप्ट करने की क्षमता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं इनके सामने आप मुंह मुंह पे आप बुला बुरा भला बोल के दिखाओ, आपको खड़ा होने लायक नहीं छोड़ेंगे, होते हैं कई लोग, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके मुंह पे कुछ भी बोल दो चुपचाप सुनेंगे फिर मुस्कुराते हुए चल देंगे, यानी वो क्या किए हैं, एडाप्ट कर लिए हैं उन सारी चीजों में रहने के लिए। तो एडाप्ट का मतलब क्या होता है, अनुकूल बनाना। और एक और शब्द होता है एडाप्ट, एडाप्ट का मतलब होता है दक्ष या कुशल। देखो वो है एडाप्ट और ये है एडेप्ट, दोनों में फर्क किसका है, इसमें ए लगा है और इसमें क्या लगा है, अब देख लो ए फॉर याद ही आ जाएगा अनुकूल, अनुकूल का मतलब क्या है अकॉर्डिंग, यानी उसके अनुसार। अब उसके अनुसार का मतलब क्या है कि बिहार में आके बिहारी बोलने लगे, दिल्ली में जाके डेलियाइट भाषा बोलने लगे, अमेरिका में जाके अंग्रेजी बोलने लगे, तो यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसा देश वैसा भेद, जैसा जगह पे जा रहे हो वैसी वाणी बोल रहे हो, तो इसमें क्या हो जाएगा एडाप्ट होगा, ए फॉर अडाप्ट, और अडेप्ट का मतलब होता है दक्ष या कुशल। ये काफी क्लोज वर्ड है इसीलिए इसको पूछा जाता है क्लोज टेस्ट में, क्लोज टेस्ट के बड़े फेवरेट शब्द हैं ये। तो अडेप्ट याद रहेगा, एडेप्ट का मतलब होता है कुशल यानी कि दक्ष है, अड्रॉइट है, अड्रॉइट कराया था वही है ये दक्ष या कुशल। यानी दक्ष कुशल का मतलब ये है कि जैसे क्या कहते हैं कि कुछ लोग के अंदर अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं होती है, एक्रोबेट होते हैं कि रस्सी पे अपना कला दिखाते, होता है मौत के कुआं में अपना कला दिखाते हैं, तो उनके अंदर क्या है एडेप्ट है, वो लोग क्या है एडेप्ट है, एडेप्टनेस भरा हुआ है। सीधा सा सिनोनिम्स में देखो ना प्यारा सा शब्द लिखा है एक्सपर्ट है, यानी किस चीज में क्या हो एक्सपर्ट हो। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके कोई एक ना एक सब्जेक्ट में कमांड बढ़िया होता है, कोई मैथ में क्या है एडेप्ट है, कोई रीजनिंग में अडेप्ट है, कोई इंग्लिश में अडेप्ट है। तो दो वर्ड क्लियर हुआ, एडाप्ट और अडेप्ट, देख लो क्लोज क्लोज शब्द लेके आया हूं, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो आप बताओ सारे शब्द याद है कि नहीं। पहला है एडजर्न, कोर्ट इज एडजर्न टुडे, यानी पोस्टपोन किया जा रहा है, टाला जा रहा है, स्थगित किया जा रहा है। अले दोस्त, अले शांत करना। अब बताओ अस्यूज, शांत करना, ऐसे करो यूज। अवर्जन, नापसंद करना। आर्टिकुलेट, स्पष्ट। आर्टिफाइस, चलाक। चलाक कौन से टर्म में, नेगेटिव टर्म में। अबेट, अबेट योर वेट, अपना वेट कम करो, अबेट करना। अडाप्ट, ए फॉर अनुकूल, और यहां पर अडेप्ट, डेप्ट का मतलब दक्ष या कुशल। बताओ यहां तक किसी को प्रॉब्लम है, लास्ट पीछे क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन पीछे से क्लास से कोई डाउट तो नहीं है किसी को, चले आगे बढ़ जाएं। पहला वर्ड है एमिकेबल, एमिकेबल का मतलब होता है मित्रता, एमिकेबल का मतलब होता है मित्र से संबंधित, यानी कि जो चीज मित्रतापूर्ण हो उसे कहते हैं एमिकेबल। ध्यान देना, आपको मैं सिखाऊंगा इन सारे चीजों के बारे में डिटेल से आप समझना। एम एक रूट वर्ड होता है, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एम एक रूट वर्ड है जो ये दिखाता है कि किसी भी चीज के साथ, किसी भी वर्ड के साथ अगर एम शब्द लग जाए, एम दो जो लेटर अगर जुड़ जाए उसका सीधा मतलब हो जाएगा या तो दोस्ती से या फिर पर्टेनिंग टू लव, यानी जो चीज लव से संबंधित हो, दोस्ती से संबंधित हो उसके साथ लगा रहेगा एम। जैसे आपने सुना होगा एमिटी, तो एमिटी का मतलब होता है फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती। एमिएबल, एमिकेबल, बहुत सारे शब्द होते हैं, शब्द दिखाता हूं ध्यान से देखना। जैसे यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनमें मतलब जो लड़की होती हैं, जो बहुत ही ज्यादा प्यारी लड़कियां होती हैं, उनका प्यार से नाम रखा जाता है अमांडा, यानी जो शब्द का नाम है वो है अमांडा। अमांडा में आप देखो कि यहां पर लगा है ए एम। अब ए एम एक रूट वर्ड है जो कि सीधा दिखा देता है यानी कि अ गर्ल चाइल्ड हु इज टू बी लव्ड, यानी कि एक ऐसी लड़की जिसका जन्म ही हुआ है, यानी बहुत जैसे दुलार से प्यार से नहीं बोलते हैं हम लोग भारत में, अजीब अजीब सा नाम रख देते हैं। कोई लड़का रहेगा नाम रख देंगे उसका मंगरू, अजीब अजीब सा नाम रख देता है अपने साइड से हम लोग के भारत में, तो कुछ अजीब। अगर अमांडा किसी का नाम हो जाए तो अमांडा कम आंडा बहुत ज्यादा बोलेगा,
यानी कि अमांडा एक ऐसा रूट वर्ड है जिसमें एम शब्द लगा है, जिसका मतलब सीधा लव से होगा। आपके एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछे जिसमें एम लगा हो, सीधा या तो फ्रेंडशिप पे जाना या फिर कोई लव से जाना, यानी उसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया एमरस। एमरस होता है पर्टेनिंग टू लव, यानी कि बहुत सारे शब्द होते हैं। इनेमर्ड होता है, इनेमर्ड का मतलब होता है कि ऐसी चीज है जिसको देख के उससे बड़ा प्यार हो जाए, यानी कोई ऐसी चीज जिसको देख के बड़ा अच्छा लगे, इनेमर्ड होता है। जैसे आप कोई होटल में जाओ, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाओ, तो वहां की जो चीजें लगती लगी होती है, जैसे लाइटिंग लगा है वहां पर, लाइट है, अलग अलग तरीके की चीजें लगी, उससे आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हो। तो इनेमर्ड एक शब्द दिखाता है किसके लिए, इन लव विथ, यानी जिस चीज के साथ आपको अच्छा लगे, अट्रैक्शन लगे, उसके लिए इनेमर्ड होगा। देखो इसमें रूट वर्ड क्या है, ए एम, सबके साथ ए एम है। अब यानी एमेट्री होता है, एमरस होता है, इन सब का मतलब होगा दोस्ती से, प्यार से। देखो एमिनिटी है, एमिनिटी का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज, यानी थिंग्स, वस्तु है, जल्दी बैठो, एक वस्तु है डैट पीपल लव टू हैव, डैट मेक अ प्लेस कंफर्टेबल टू लिव इन, यानी एक ऐसी चीज एमिनिटी बहुत सारी उपयोगी चीजों के लिए होता है कि जो आपको जीवन की सारी चीजों को आपको सुखद बनाए। जैसे कि ऑडी कार हो गई, आप जब उसमें बैठते हो कितना अच्छा फील होता है, बैठे नहीं हो, कोई नहीं बैठा, मैं भी नहीं बैठा हूं, कोई बात नहीं। एमिनिटी का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसको आप देखने से आपको प्यार जगे, यानी एक ऐसी चीज, एक ऐसी वस्तु जो बहुत प्यारी चीज हो उसे कहते हैं। अमोर का मतलब होता है, अमोर स्पेनिश में जिस किसी प्यार को कहते हैं अमोर। बहुत सारे गाना बनते हैं पिया अमोर, ऐसे अजीब गाने जो बनते होते हैं, यानी अमोर स्पेनिश में, इटालियन में अमोर और फ्रेंच में अमोर, यानी ऐसे ऐसे ये जो शब्द होते हैं, इन सब का मतलब होता है फ्रेंडशिप से, लव से। देख रहे हो एक शब्द से कितने आप वर्ड निकालना सीख रहे हो। ऐसे ही बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा कि इन सब का मतलब होगा। जैसे इनेमोरेटा होता है, इनेमोरेटस होता है, यानी सबके साथ देखो कि ए एम लगा है, यानी ए एम अगर किसी के साथ लग गया, बताओ कि उसका मतलब दुश्मनी से होगा कभी, हमेशा या तो फ्रेंडशिप से होगा या फिर कोई पर्टेनिंग टू लव होगा, यानी जिस कोई प्यारी सी चीज हो, कोई अच्छी चीज हो, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ए एम से बना हुआ शब्द। ऐसे ही एक शब्द आता है जिसे कहते हैं अमेच्योर। अमेच्योर का मतलब ये होता है कि जैसे आपने सुना होगा कि ये व्यक्ति कोई अमेच्योर है, यानी कि मान के चलो कि आप गाड़ी चला रहे हो, बाइक चलाना सीख रहे हो, या फिर आप स्कूटी चलाना सीख रहे हो आप लोग। अब क्या है कि भले ही आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो लेकिन आपको चलाने नहीं आता है, लेकिन आपको चलाने से प्यार है। सीधा सा एग्जाम्पल देता हूँ, सब लोग बचपन में जब कोई साइकिल से आता था, घर पे आता था तो मांगते थे थोड़ा चाबी देना, चला के आता हूँ, होता था। सेम चीज बाइक के साथ हुआ, किसी के बाइक नया नया चलाना सीख रहे थे, चलाना नहीं आ रहा था, अमेच्योर थे, लेकिन जब वो बाइक मांगते थे, अब चाबी लेने के लिए क्या नहीं कर देंगे, एक गिलास पानी लेके आओ फिर चाबी देता हूँ, एक गिलास नहीं दो गिलास लेके आएंगे चाबी में, होता था ऐसा। आपको चलाने नहीं आ रहा है लेकिन आप उसके साथ अट्रैक्शन रख रहे हो, उसके साथ लव रख रहे हो। तो वन हु लव्स टू डू समथिंग, जो कुछ करना तो चाहता है बट इज नॉट अ प्रोफेशनल एट इट, यानी उस चीज में प्रोफेशनल ना हो, उसे अमेच्योर कहते हैं। तो एमरस से जितने भी शब्द ए एम से बनेंगे, उन सबको वो सारे शब्द याद रहेंगे, यानी एमिकेबल हो, एमिकेबल का मतलब होता है मित्रता, एमिकेबल हो, एमिनिटी हो, एमरस हो, एमिटी हो, सबका मतलब होगा मित्रता। याद कर लो ऐसे, अगर नॉर्मली याद करना हो तो एमिकेबल में शब्द दिख रहा है केबल, मी केबल, यानी कि मी मतलब जैसे आई के लिए क्या होता है ऑब्जेक्ट, मी, यानी हम लोग का केबल वालों से क्या रहती है, मित्रता रहती है, केबल जैसे घर में जो केबल लगा होता है उन लोगों से दोस्ती रहती है, मित्रता रहती है। तो एमी केबल सबका मतलब होगा मित्रता से, दोस्ती से। बताओ कोई दिक्कत है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट शब्द देखो, नेक्स्ट है आपका एडमोनिस। एडमोनिस का मतलब होता है चेतावनी, एडमोनिस का मतलब होता है चेतावनी देना, यानी किसी चीज के लिए क्या बोलते हैं, थ्रेट करना, चेतावनी देने को क्या कहते हैं, एडमोनिस। अब एडमोनिस में देखो यहां पर मुनि शब्द आ रहा है, यानी कि आपने देखा होगा वो दृश्य जब प्रभु श्री राम ने धनुष को तोड़ा था, तो राम के बड़े परशुराम जी आए थे और उन्होंने बार बार क्या कर रहे थे, बार बार चेतावनी दे रहे थे, यानी कि जो मुनि जो थे, आपने एड में देखा होगा,
यानी उस एड में क्या कर रहे हैं, बार बार चेतावनी दे रहे हैं। तो एडमोनिश का मतलब क्या हो जाएगा, चेतावनी। यानी आपके दिमाग में सिर्फ वो मुनि वाले शब्द आएंगे कि जो मुनि थे वो बार बार आपको चेतावनी दे रहे थे, उसे ही कहते हैं एडमोनिश करना, चेतावनी देना। नेक्स्ट वर्ड है आपका अपीज। अपीज का मतलब होता है शांत करना, अपीज का मतलब होता है पेसिफाई करना। तो बताओ शांत करने के लिए और कौन कौन से शब्द आए थे, कल ही कराया था अले, कराया था अस्यूज, शांत करना, अले करना, अस्यूज करना। सीट आपके सामने होना चाहिए वो कैबलरी का, जब वो कैबलरी करा रहा हूं तो उसमें आपको एकदम लिंक होना चाहिए चीजों का। अले होता है, अस्यूज होता है, नहीं मिला है, जिनको नहीं मिला है मिल जाएगा। यानी कि अगर बाद में आया होगा तो नहीं मिला होगा, जिस दिन बटा होगा उस दिन नहीं आया होगा तो नहीं मिला होगा। ऑनलाइन वालों को दोनों सीट, वो कैब की और ग्रामर की दोनों सीट मिल चुकी है, उसमें था अस्यूज था अले था, इन सब का मतलब होता है शांत करना। अब अपीज को याद कर लो, अपीज को याद करो कैसे, कि जैसे घर में तीन चार लोग थे, अब तीन चार छोटे छोटे बच्चे थे, एक था एप्पल, अब एप्पल जो था, अब एक एक एप्पल है, चार लड़के हैं रोए जा रहे हैं, आपने क्या किया एप्पल को लिया और एप्पल का पीस किया, चार हिस्सों में काटा और सबको एक एक दे दिया, सब लोग क्या हो गए, शांत हो गए। यानी एप्पल को किया पीस तो क्या कर दिया आपने, शांत कर दिया। तो यानी अपीज एप्पल का पीस, एप्पल का पीस करके शांत कर दिया। तो अपीज का मतलब होता है शांत करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका अक्यूमेन। अक्यूमेन का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि वाला। अक्यूमेन का मतलब यह दिखाता है आपका इंटेलिजेंस, यानी कि आपका मेंटल इंटेलिजेंस को दिखाता है। जैसे कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, कितने भी उनके सामने नेगेटिव सिचुएशन डाल दो, उस सिचुएशन से वो निकल जाएंगे, उस सिचुएशन से कैसे भी पार लग जाएंगे, उसे ही कहा जाता है अक्यूमेन। तो अक्यूमेन का मतलब होता है कुसार बुद्धि वाला। ये बताओ अक्यूट कराया था कि नहीं, अक्यूट का मतलब होता है शार्प, यानी तीक्ष्ण। जब बुद्धि से बहुत ज्यादा शार्प हो, तीक्ष्ण हो, उसे अक्यूट कहते हैं। तो उसी में से बना है अक्यूमेन, यानी अक्यूट, अक्यूट मैन, यानी अक्यूमेन, तो अक्यूट मैन, यानी जो अक्यूट होते हैं, जो अक्यूट टाइप के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, कुशाग्र बुद्धि। देखो यहाँ लगा है शार्पनेस, यानी उनका दिमाग कैसा होता है, शार्प होता है, इधर उधर करके कैसे भी अपना काम चला लेंगे, तो उसे कहा जाता है अक्यूमेन। अक्यूमेन का मतलब कुशाग्र बुद्धि वाला। अब देखो अपैल, अपैल का मतलब होता है भयभीत करना, यानी कोई ऐसी चीज जो आपको भयभीत करती है, डराती है, उसे कहते हैं अपैल। तो अपैल को याद कर लो अपैल। अब देखो यहां पर लगा है पल, कभी कभी आपके जीवन में कुछ ऐसा पल हुआ होगा जिसको देख के आप भयभीत हो जाते हैं, हुआ है सबके साथ, बहुत लोग तो इमेजिन कर लिया होगा कि यह इस टाइम पर हुआ था, तो उसे ही कहते हैं भयभीत करना। यानी अपैल, आप उस पल को याद करके क्या हो गए, अपैल हो गए, यानी आप उस पल को याद करके भयभीत कर लिया अपने आप को। तो अपैल याद रहेगा, यानी अपैल पल, वो पल याद आएगा जिस पल पे आप क्या हुए थे, भयभीत हुए थे, बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना। अबेंडन का मतलब होता है गिव अप कर देना, यानी किसी चीज का त्याग कर देना, परित्याग कर देने को क्या कहते हैं, अबेंडन। बेसिकली ये उन सारी चीजों के लिए आता है, जैसे कोई प्रॉपर्टी बनाई गई, आपने देखा होगा कि अभी वर्तमान में जितने भी आपने ट्रेन से अगर ट्रेवल किया होगा तो कुछ ऐसी बिल्डिंग्स होंगी जिनका यूज नहीं किया जाता है। जैसे केबिन बनाया जाता था, ईस्ट साइड केबिन, वेस्ट साइड केबिन, और उस केबिन को छोड़ दिया गया तो उस पर लिखा गया है अबेंडेंट, यानी ये चीज क्या कर दिया गया है, त्याग कर दिया गया है, इसका कोई यूज में नहीं है। यानी कि अब क्या हो गया, टेक्नोलॉजी का जमाना है, यानी कि हर चीज का इंफॉर्मेशन उनको दूसरे तरीके से मिल जाता है, वायरलेस के तरीके से मिल जाता है। या फिर आपने देखा होगा उसका बेसिकली बनाने का जो रीजन था वो ये था कि जो ट्रेन जब गुजरती थी तो ट्रेन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उसके लिए ट्रैकमैन हुआ करते थे, तो उन्हीं ट्रैकमैन का रहने का वो जगह था जिससे वो देखते थे। लेकिन अब धीरे धीरे वो समाप्त हो गया, धीरे धीरे खत्म हो गया, उसे ही कहेंगे अबेंडेंट। उस पर लिखा भी होगा अबेंडेंट, SSC का बड़ा फेवरेट शब्द है, कई बार पूछा है। यानी अबेंडेंट का मतलब होता है त्याग कर देना। याद कैसे करोगे, तो यहां पर लगा है बैन, यानी बैन को याद कर लो बन से, और ये है डॉन, यानी कि जब से वह बना है डॉन, जब से बना है डॉन, तब से भारत का क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है, पहचानते हो ना। तो यानी कि जब से बना है डॉन, तब से भारत का त्याग कर दिया है, यानी त्याग कर देने को कहते हैं अबेंडन, यानी अबेंडन तो बन डॉन, यानी जब से डॉन बना है तब से भारत का त्याग कर दिया है। नेक्स्ट वर्ड है आपका अज्यूर। अज्यूर का मतलब ही होता है त्याग कर देना, अज्यूर का मतलब होता है त्याग कर देना, गिव अप कर देना, इसे भी कहते हैं अब्ज्यूर।
तो एब्जूर मतलब त्याग कर देना, लेकिन ये किस चीज का है? तो बेसिकली ये जो एब्जूर आता है, ये आपके जैसे नहीं होता है कि कभी कभी पूरे दिन इधर हो रहे हैं उधर हो रहे हैं, जीवन में कुछ ऐसा हो गया कि घर में रहने का मन नहीं कर रहा है, ना भूख लग रही है ना प्यास लग रहा है, कमरा जो है काटने को दौड़ा, होता है कि नहीं? होता है नहीं सर? होता नहीं होता हो तो इंतजार कर रहा है। यानी कहने का मतलब है कि जीवन में कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिनसे लगता है कि दुनिया अब खत्म सी हो गई है मेरे लिए। यानी कि जब ऐसी सिचुएशन आए, जब ऐसा लगता है, उसमें सीधा ख्याल आता है कि अब तो यूपीएससी निकालूंगा, आता है? यानी कहने का मतलब यह है कि अब दिमाग में ख्याल आया कि यूपीएससी निकलेगा तो बीपीएससी निकलेगा, तो उसके बाद आप बोलते हो कि अब से मैं इन सारी चीजों का त्याग करता हूं। होता है ये वाला त्याग? उसी त्याग को कहते हैं एब्ज्यूर। तो एब्ज्यूर का मतलब होता है त्याग देना, किसी भी चीज का परित्याग कर देने को बोलते हैं एब्ज्यूर। तो एब्ज्यूर को याद करो कि अब जूरी कराया था कल, जूरी का काम होता है फैसला सुनाना। यानी जो जूरी का जो होता है बोर्ड होते हैं, बोर्ड में उन सबका एक टीम, एक बेसिकली जूरी एक खुद ही टीम है, एक ग्रुप ही है जिसमें एक से ज्यादा प्रकार के लोग रहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अब जूरी के सामने वो कसम खाया है कि वो सारी अपनी गलत चीजों को क्या कर देगा? त्याग कर देगा, यानी उस चीज को छोड़ देगा, उसे कहते हैं एब्ज्यूर। नेक्स्ट वर्ड है अपोजिट। अब ये है अपोजिट, एक होता है अपोजिट, क्लोज टेस्ट में फंसाता है ये। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, यानी जिस चीज के खिलाफ हो। अपोजिट का मतलब होता है उपयुक्त। अपोजिट का मतलब क्या होता है? उपयुक्त। अब अपोजिट का क्या है? ये अपोजिट है, यानी अपोजिट का क्या है? ये अपोजिट है। अपोजिट का मतलब क्या होता है? अपोजिट का मतलब होता है उल्टा। जैसे ये एक व्यक्ति कोई बोल रहा है कि इधर चलो, ये बोल रहा है कि नहीं मैं इधर जाऊंगा, क्लियर? अब क्या कर दिया कि दूसरा कोई व्यक्ति आए और बोल दिया क्या कि इधर नहीं जाना है, इधर ही जाना है। तो अब इस रास्ते को क्या बोलेगा ये? कि रास्ते पे मैं जा रहा हूं, रास्ता कैसा है? उपयुक्त है। उपयुक्त का सीधा मतलब है एप्रोप्रिएट, यानी कि सही चीज को कहा जाता है अपोजिट, लेकिन उल्टा चीज को कहा जाता है अपोजिट। तो अपोजिट से याद रहेगा कि अपोजिट का ये अपोजिट है, अपोजिट का अपोजिट एपोजिट कहलाता है, यानी उपयुक्त कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्रोनिम। एक्रोनिम का मतलब होता है संक्षिप्त। एक्रोनिम का मतलब बेसिकली आप समझो, सबसे पहले ये समझो कि एक्रो का मतलब क्या होता है। एक्रो का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज के ऊंचाई के बारे में बात करेगा, हमेशा ही ऊंचाई के बारे में बात करेगा। बड़ा एक फेमस शब्द होता है फोबिया, सुने हुए कभी ना कभी? फोबिया का मतलब होता है डर, यानी किसी भी चीज से डर। एक होता है फिलिया, फिलिया का मतलब होता है किसी चीज से लगाव, किसी चीज से प्यार। तो सुना होगा शब्द बनता है एक्रोफोबिया, यानी एक्रोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा? फोबिया का मतलब डर, एक्रो का मतलब हाइट, यानी हाइट से डर को कहते हैं एक्रोफोबिया। होता है एक्रोनिम होता है। एक होता है एक्रोबैट, एक्रो का मतलब हो गया हाइट ऊंचा, और बैट का मतलब होता है कला दिखाने वाले। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे रस्सी पे लोग चलते हैं, यहां से लेके वहां तक रस्सी बांध देंगे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं और यहां से चलेंगे, देखा है आपने? उनको एक्रोबैट कहा जाता है, यानी कि ऊंचाई पर वो लोग नाटक दिखाते हैं, एक्रोबैट कहलाते हैं। यहां पर है एक्रोनिम, यानी एक्रोनिम, एक्रो मतलब ऊंचाई और नीम का मतलब, नीम का मतलब होता है कि नाम, यानी किसी किसी भी शब्द में अगर नीम लग जाए तो उसका मतलब होगा नाम। यानी आपने सुना होगा सीनो साइनो, एक जैसा नीम्स, यानी एक जैसा नाम। एंटो मतलब उल्टा, नीम्स मतलब नाम, यानी क्या हो जाएगा? उल्टा जिसका नाम हो। तीसरा आपने सुना होगा एनोनिमस, एनोनिमस का मतलब, उसमें भी नीम्स लगा है, एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम, यानी जो एनोनिमस है उसे कहा जाता है क्या? गुमनाम। सब में नीम लगा है, यानी एक्रोनिम्स का मतलब होता है संक्षिप्त। जैसे मैं आपको बताता हूं, यानी मैंने यहां पर लिखा के जी एफ, अब बताओ इसका कोई नाम है, कोई मतलब है? नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म है। के फॉर होता है कोलार, जी फॉर गोल्ड और एफ फॉर फील्ड, यानी कोलार गोल्ड फील्ड। अब बताओ ये अपने आप में मतलब हुआ कि नहीं? लेकिन मैंने इसको केजीएफ जैसा लिखा। अब केजीएफ का मतलब क्या निकल के आया? इसका कोई नाम होगा, यानी कि कोलार का के लिया, गोल्ड का जी लिया और फील्ड का एफ लिया। मैंने लिखा आर आर आर, बताओ कोई नाम है? लेकिन मैंने लिया राजा मौली, रामचरण तेजा और रामा राव। अब क्या किया कि तीनों लोगों का नाम का पहला लेटर लिया, उसे ही कहते हैं एक्रोनिम। यानी एक्रो मतलब सबसे ऊपर,
सबसे ऊपर का और नाम ले लिया, यानी उसे हम कहते हैं संक्षिप्त। ध्यान ये रखना है, निम्न याद रहेगा, सिर्फ इसको याद कर लो, एकरो का मतलब हाइट याद कर लो। अब एकरो को हाइट कर लो क्रो से, एकरो क्रो यानी अक्रो जो होता है, एक जो कौवा होता है वो कहां जमीन पे उड़ता है, ऊंचाई पे, हाइट पे। तो जब भी आपको एकरो दिखेगा सीधा मतलब याद आएगा हाइट, ऊंचाई। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है कम करना, एक ही शब्द आया है और भी कराया हूं। अब बेट मतलब कम करना, ध्यान देना कि ये कम करने का सेंस पहले समझो। एलिविएट का मतलब होता है कम करना या फिर शांत करना। अब कम में और शांत में एकदम सिमिलरिटी है, देखो कैसे। मान के चलो कोई व्यक्ति गुस्सा होते हुए आया और भड़के जा रहा है, अब क्या किया कि कुछ मैंने बातें उसको बताई, उसका गुस्सा कम कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, उसका गुस्सा शांत हो गया। बराबर जैसे शब्द है वैसे ही आता है एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है कम करना, एलिविएट का मतलब होता है शांत करना। देखो यहां पर लगा है अले, अले कराया हूं, शांत करना। अब एलिविएट को याद करो, ऑल और ऑल एलिविएट ऑल वेट, यानी ऑल वेट अपना क्या करो, कम करो। यानी किसी का वेट ज्यादा हो गया है तो ऑल वेट करो, एलिविएट करो, यानी ऑल वेट को एलिविएट करो, शांत करो। क्लियर है, बताओ यहां तक किसी को प्रॉब्लम? फास्ट चल रहा हूं क्या? ऑनलाइन बोल रहा है सर स्लो चलिए। चलो आप बताओ सारे वर्ड याद है कि नहीं। पहला है एमी केबल, यानी ए एम याद रहेगा, तो ए एम का मतलब क्या हो गया, फ्रेंड। आप बताओ एडमोनिश, यानी मोनी क्या कर रहे हैं एड में, चेतावनी दे रहे हैं। अपीस, एप्पल को पीस में करके क्या कर दिया, शांत कर। अक्यूमैन, अक्यूट मैन, अक्यूमैन, अक्यूट मैन, अक्यूट याद रहेगा तभी याद आएगा, यानी कुशाग्र बुद्धि वाला या फिर शार्प माइंड वाला, उसे कहते हैं अक्यूमैन। अपेल यानी डरा देना, भयभीत करना। आप उस पल को याद करो जिस टाइम आप क्या हुए थे, भयभीत हुए थे। अबेंडन त्याग देना। एब्जूर दोनों का मतलब क्या होगा, त्याग देना। एपोजिट उपयुक्त, यानी जो चीज सुटेबल हो, तुम्हारे लिए उपयुक्त हो, उसे कहते हैं एपोजिट। एक्रोनिम संक्षिप्त। एलिविएट कम करना, लेसन करना। बताओ यहां तक किसी को प्रॉब्लम है 1% का? पहला वर्ड है एकोलेड। एकोलेड का मतलब होता है तारीफ करना, एकोलेड का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। तारीफ करना और प्रशंसा के लिए शब्द आया है, अब प्रेस करना, प्रशंसा करना, तारीफ करना होता है। बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे, धीरे धीरे वो अल्फाबेटिकल ए से स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो ऐसे लेटर है जिनसे स्टार्ट होगा, जिनका मतलब होगा तारीफ करना, प्रशंसा करना। गुड इवनिंग एवरीवन। चलो यहां पर लगा है एकोलेड का मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना। याद कैसे करोगे, मान के चलो कि इतना गर्मी लग रहा है, गर्मी है कि नहीं, गर्मी का महीना इतना चल रहा है और अभी जस्ट निकला है जून का महीना, जून में तो तपाने वाली गर्मी पड़ती होती है, गर्मी गर्मी खून में नहीं, गर्मी जून में होती है, पता ही आपको। अब गर्मी का महीना है, पति और पत्नी है, पति तो कैसे भी गुजारा कर लेगा, अपना गुजारा कर लेगा, लेकिन पत्नी से गुजारा मुमकिन नहीं है। तो अब क्या पत्नी बोल रही है, बोल रही है एसी, एको एसी को ला दे, यानी एसी को ला दे, एकोलेड एसी को ला दे। और उससे अगर पति एसी लेके आएगा तो फिर क्या मिलेगा, तो एकोलेड का मतलब क्या हो गया। अब इससे दो आपके जो दो तरीके के वर्ड कंप्लीट हुए, पहला ये हुआ कि आपको इसका मीनिंग पता चल गया, दूसरा पूछता है स्पेलिंग एरर, बताओ स्पेलिंग में गलती करोगे, क्या शब्द बना था, एसी को ला दे, तो एकोलेड से करता है, सी हटा देगा, याद रहेगा। तो एकोलेट का मतलब क्या हो गया, तारीफ करना, प्रशंसा करना, उसे कहते हैं एकोलेट करना। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका S9। S9 का मतलब होता है मूर्ख, S9 का मतलब भोंदू, यानी मूर्ख किस्म का है, भोंदू किस्म का है, उसे कहते हैं S9। एक बात बताओ, S9 में क्या S दिख रहा है, ये बताओ इसमें कितने गद्दे हैं, है कि नहीं, मतलब कितने, लगभग 9 होंगे, गिन के देख लो, अगर गिनोगे तो उसी को कहेंगे S9। यानी S का मतलब गधा और 9 का मतलब 9, जहां पर एक कोई गधा हो तो उसे मूर्ख कह देते हैं, यहां तो 9-9 भरे पड़े हैं, तो S9 का मतलब क्या हो गया, मूर्ख हो गया, स्टूपिड हो गया, नॉनसेंस हो गया, उसे कहते हैं S9। नेक्स्ट वर्ड है आपका असे, ध्यान देना, एक होता है ऐसे, एक है असे। असे का मतलब होता है जांचना,
एग्जामिन करना, किसी चीज को क्या कर लेना, एग्जामिन करना, मूल्यांकन होता है ना, एक मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन करना, उसी को कहते हैं असे करना। अब असे और ऐसे एक जैसे शब्द है, यानी कि जब आप ऐसे लिखते हो, जैसे ऐसे राइटिंग होता है, बहुत एग्जाम में है कि जब मेंस में आप जाओगे तो ऐसे राइटिंग करना पड़ेगा, तो जो भी आप ऐसे लिखोगे उसका असे किया जाएगा, यानी उसका जांचा जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा। एग्जामिनेशन को क्या कहते हैं, असे कहते हैं। तो असे ऐसे, हमने लिखा ऐसे, तो ऐसे का क्या किया, असे किया गया, एग्जामिनेशन किया गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका असेंट। असेंट का मतलब होता है सहमत होना, असेंट का मतलब होता है एग्री होना, किसी के बातों से एग्री हो जाना, किसी के साथ एग्री हो जाना, उसे कहते हैं असेंट कहते हैं। अब असेंट में आपको ध्यान से देखो तो यहां लगा है सेंट, यानी सेंट ऐसा सेंट, असेंट ऐसा सेंट, ऐसा सेंट लगाया कि सामने वाला क्या हो गया, सामने वाला एग्री हो गया, सेंट से क्या कर दिया, असेंट कर दिया, यानी ऐसा लगाया सेंट के सामने वाला हो गया असेंट, सामने वाला हो गया सहमत। नेक्स्ट वर्ड है आपका अक्लेम। अक्लेम का मतलब होता है प्रशंसा करना, अक्लेम का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। अभी आया था कोच, एकोलेड, एकोलेड का मतलब भी तारीफ करना, अप्रेस का मतलब तारीफ करना, यहां है अक्लेम, यानी अक्लेम का मतलब ही होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। आपने क्लेम शब्द सुना होगा, क्लेम होता है जैसे कोई भी चीज जिसका आपने प्रीमियम दिया है और वो चीज खराब हो जाती हो तो आप उसको क्लेम करते हो। जैसे आप मान के चलो कोई सामान खरीदे, उसका आपने इंश्योरेंस कराया, अब इंश्योरेंस कराया और वो चीज खराब हो गई तो आपको क्लेम करना पड़ेगा उसके पैसे लेने के लिए, यानी उसी को ही कहते हैं क्लेम। अब क्लेम, अक्लेम को याद करो कि जैसे दो व्यक्ति हैं, अब दो कोई गरीब व्यक्ति है, एक की मौत हो गई, अब इंश्योरेंस कंपनी वाले क्लेम नहीं कर रहे हैं, बार बार क्लेम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर दे रहे हैं। आपने क्या किया, एक क्लेम कर दिया, यानी आपने एक क्लेम किया, उसका पैसा मिल गया, सभी लोग क्या किए, अक्लेम किए, यानी आपने किया एक क्लेम, सभी लोगों ने क्या किया, अक्लेम, यानी अक्लेम का मतलब प्रशंसा करना, एकोलेड का मतलब प्रशंसा करना, अप्रेस का मतलब प्रशंसा करना, प्रेस का मतलब प्रशंसा करना। अक्लेम याद रहेगा, यानी जैसे एग्जाम में दिखेगा अक्लेम, आपके दिमाग में आएगा क्लेम, और क्लेम करने पे क्या मिला, लोगों ने प्रशंसा किया, तारीफ किया। नेक्स्ट वर्ड है आपका एसर्ट। एसर्ट का मतलब होता है दावा करना, एसर्ट का मतलब होता है किसी चीज पे पक्का करना, दावा करना। ऐसे कभी नहीं होता है, दो दोस्त होते हैं, बोलते हैं कि लगाओगे शर्त, बोलते हैं यानी क्या, एक लगाओगे शर्त, एसर्ट एक शर्त, और एक शर्त कब लगाते हैं, जब किसी पर दावा करना हो, यानी जिस चीज पर क्या हो, वो उनका दावा हो, जिन पे उनका कठोर निश्चय हो, उसे कहते हैं एसर्ट। यानी एसर्ट मतलब क्या हो गया, दावा करना, यानी किसी भी चीज के सही होने का, किसी भी चीज के गलत होने का क्या करते हैं, दावा जो लोग करते हैं उसे कहते हैं एसर्ट। आपने द हिंदू का नाम सुना होगा, द हिंदू में वर्ड छाया रहता है, कभी सुप्रीम कोर्ट पे लगा देगा, कोई लगा देगा, किसी ने PIL फाइल कर दिया उस पर एसर्ट यूज कर देगा, उसे कहते हैं एसर्ट। यानी एसर्ट एक शर्त, ए शर्ट एसर्ट, यानी दावा करना, किसी चीज पर पुष्टि करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका एमेलियोरेट। एमेलियोरेट का मतलब होता है उन्नति, यानी इंप्रूव। बहुत ही फेमस शब्द है, SSC तो कितनी बार पूछा है, कल जो मतलब जो सीट दूंगा उसमें पता चल जाएगा। एमेलियोरेट का मतलब होता है उन्नति, एमेलियोरेट का मतलब होता है इंप्रूव, इंक्रीज, उसे क्या कहते हैं, एमेलियोरेट कहते हैं। अब देखो यहां पर है एमेलियोरेट में अमेल और यहां पर है रेट। अमेल को याद कर लो, अमूल से अमूल दूध आता है, तो अमूल दूध के रेट में क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, उन्नति हो रहा है, यानी अमेलियोरेट अमूल के रेट, अमूल दूध के रेट में क्या हो रहा है, हमेशा उन्नति हो रहा है, यानी बढ़ोतरी होना, किसी चीज का इंक्रीजमेंट होना, इंक्रीमेंट होने को क्या कहते हैं, अमेलियोरेट कहते हैं। किसी भी चीज में क्या कर देना, बिल्कुल UPSC कंपलसरी में कई बार क्वेश्चन पूछा है ये, यानी जो जैसे मान के चलो एग्जाम का टफ होना, एग्जाम का इजी होना किस पर निर्भर करता है, शब्दों पे, यानी रहेगा इजी, मॉडरेट रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे शब्द डाल देगा जो कि उसमें समझने में ही आपको टाइम लग जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन जो UPSC की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि UPSC में क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल पूछेगा, क्योंकि ऐसे शब्द जब इंप्रूव देगा, कॉम्प्रिहेंशन में दिया है इंप्रूव, बताओ जरा इसमें से एक भी ऐसा बच्चा है जो उसका मीनिंग नहीं निकाल पाएगा, सब निकाल लेंगे इंप्रूव में, अब देगा क्या, एमेलियोरेट देगा, समझने वाला समझते रहे, इसीलिए होता है कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन। एमेलियोरेट का मतलब उन्नति करना, इंप्रूवमेंट करने को एमेलियोरेट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एलियन। एलियन का मतलब होता है विदेशी, ये तो सबको पता होगा, आपके दिमाग में चलता है एलियन हम उसे ही कहते हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हो, यानी कुछ इस प्रकार का चेहरा देखते हैं। ध्यान देना,
एलियन का मतलब ये होता है कि जिसको आप जानते नहीं हो, जिससे आप परिचित नहीं है, जिसको आपने कभी देखा नहीं है, जिससे आपने कभी मिला नहीं है, उसे ही कहते हैं एलियन। यानी एलियन का मतलब होता है अनजान, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिस जो आप उससे जान पहचान नहीं है, अनजान है, उसे कहते हैं एलियन। अब एलियन का मतलब क्या होता है? विदेशी। लेकिन ये कौन सा विदेशी है? जिसको आपने कभी नहीं देखा है। जैसे बोलते हैं योर बिहेवियर इज एलियन टू मी, यानी कि तुम्हारा बिहेवियर यहां पे एलियन का मतलब क्या है कि तुमने ऐसा पहले कभी नहीं किया है, तुम्हारा ऐसा बिहेवियर मैंने पहले कभी नहीं देखा है, उसे ही कहते हैं एलियन। समझ में आया एलियन? तो एलियन का मतलब वो वाला एलियन नहीं, हर केस में डालता है, क्लोज टेस्ट में फंसा देगा क्वेश्चन किसी चीज में कि जिसके बारे में आप जैसे स्ट्रेंज होता है। बड़ा एक फेमस शब्द है, पेक्यूलियर शब्द है, सबको पता होगा, वही है ये एलियन। यानी कि पेक्यूलियर का मतलब होता है अजीबो गरीब, यानी जो एक अजीबो गरीब किस्म का हरकतें कर उसे पेक्यूलियर कहते हैं, वही है एलियन, विदेशी। नेक्स्ट वर्ड है आपका एवर्ट। एवर्ट का मतलब होता है परहेज करना, अबस्टेन करना। क्या शब्द लिखा है? अवॉइड, यानी अवॉइड मत करना, किसी चीज से परहेज करने को क्या कहते हैं? एवर्ट कहते हैं। तो एवर्ट का मतलब क्या हो गया? परहेज करना। अब एवर्ट को याद करो, देखो यहां पर आ रहा है व्रत, यानी व्रत जो करते हैं जितने भी लोग, खासकर आप लोग व्रत करते होंगे, तो क्या जो व्रत करने में परहेज नहीं किया जाता है? कुछ भी नहीं खा सकते हो, यानी उसी परहेज करने को क्या कहते हैं? एवर्ट कहते हैं। यानी किसी भी चीज से परहेज करना, उसे कहा जाता है एवर्ट करना। एवर्ट मतलब क्या हो जाएगा? परहेज करना। सारे शब्द याद रहेंगे, चलो आप देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एरडस। एरडस का मतलब होता है कठिन का। एरडस का मतलब होता है जो एक बहुत ज्यादा कठिन काम हो, हार्ड वर्क हो, उसे कहते हैं एरडस। अब एरडस में देखो यहां पर क्या लाया, और दस, यानी जैसे कोई काम है और उस काम को करने के लिए और 10 लोग चाहिए, तो काम कैसा होगा? आसान कार्य। आसान कार्य तो एक दो लोगों से होगा, यानी कुछ लोग काम कर रहे हैं। जैसे यहीं पर कोई काम कराना हो, 5 लोग 10 लोग काम कर रहे हैं, मैंने क्या बोला? और 10 लोग चाहिए इस काम के लिए, इसका मतलब वो काम कैसा है? कठिन कार्य है। तो अर्डस, और दस लोग चाहिए, क्योंकि ये काम कैसा है? बहुत ही हार्ड है, बहुत ही कठिन है, उसे कहते हैं अर्डस। चलो फटाफट से बताओ, पहला एकोलेट यानी एसी को ला दे। अब एसी ला दिए तो क्या करने लगे? तारीफ करने लगे। एस नाइन का मतलब मूर्ख या भोदू। असे, जांचना, मूल्यांकन करना, किसी भी चीज को क्या कर देना? इवेल्युएट करना। यहां पर है असेंट, पक्का करना, यानी ऐसा लगाया सेंट कि क्या हो गए? सहमत हो गए। अक्लेम, प्रशंसा करना, तारीफ करना, यानी क्लेम फॉर अक्लेम, क्लेम किया। असर्ट, ऐसा शर्त लगाया, यानी एक शर्त लगा लो, एसर्ट का मतलब दावा करना। एमेलियोरेट, उन्नति करना, बढ़ोतरी करना, जो भी शब्द आपको बोलना है, सेंस मेरा देना काम है, तो एमेलियोरेट का मतलब उन्नति। एलियन, एवर्ट, ऑर्डस, यानी कठिन कार्य को कहते हैं ऑर्डस। बताओ यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? आगे बढ़ जाए। चलिए पहला वर्ड है आपका एस्टाउंड। एस्टाउंड का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, यानी एस्टोनिश हो जाना। क्या हो जाना? किसी चीज को देखे क्या आप आश्चर्य पड़ जाते हो, उसी को कहते हैं एस्टाउंड हो जाना, यानी आश्चर्यचकित हो जाना। इसी से बना होता है शब्द एस्टोनिश। एस्टोनिश का मतलब ही वही होगा, आश्चर्यचकित हो जाना, उसे कहते हैं एस्टाउंड। अब एस्टाउंड को याद करो, देखो एस्टाउंड टाउन, यानी ऐसा टाउन देखा, यानी एक ऐसा टाउन देखा कि देखे क्या हो गया? आश्चर्यचकित हो गया, यानी एस्टोनिश हो गया, आश्चर्यचकित हो जाने को क्या कहते हैं? एस्टाउंड होना। नेक्स्ट वर्ड है आपका एमनेशिया। एमनेशिया का मतलब होता है यादाश्त का खो जाना, यानी लॉस ऑफ मेमोरी को कहते हैं एमनेशिया। जैसे बेसिकली ये वर्ड जो होता है कब आता है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ और सर्वर पे चोट लग जाता है तो यादाश्त चली आती है, उसी को कहते हैं एमनेशिया। यानी एमनेशिया का मतलब होता है यादाश्त का चला जाना, लॉस ऑफ मेमोरी को कहते हैं एमनेशिया। अब एक चीज का ध्यान दो, अब जैसे मैंने आपको कराया था यहाँ एएम, तो मन में चल रहा होगा सर ने बताया है एएम जो होता है वो तो फ्रेंड के लिए होता है। यहाँ एएम नहीं है, यहाँ ए है, जो रूट वर्ड है वो ए है। ए का मतलब होता है किसी भी शब्द में लग जाने को कि उसकी कमी बता, का मतलब होता है लैक ऑफ ब्लड, खून की कमी जब हो जाती है तो उसे अनीमिया कहते हैं। एक होता है अलेक्सिया, अलेक्सिया सुना होगा, एक शायद मूवी भी आई थी तारे जमी पे ऐसे कुछ था, उसमें भी ये चीज दिखाया है, उसे ही कहते हैं एलेक्सिया। एलेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ द एबिलिटी टू रीड, यानी किसी भी चीज को ना पढ़ना, ना पढ़ने की चीजों को क्या कहते हैं?
अब एनल्जेसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन, यानी जैसे कभी किसी को चोट लगता है और दर्द नहीं होता है उसे ही कहते हैं क्या, एनल्जेसिया। जैसे क्या होता है कि जब किसी का ऑपरेशन किया जाता है तो उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है कि जो चीड़ा फाड़ा जाए तो दर्द ना हो किसी को, तो एनल्जेसिया चीज़ों का यूज़ किया जाता है, चाहे टैबलेट्स के माध्यम से चाहे इंजेक्शन के माध्यम से। तो एनल्जेसिया का भी मतलब होता है लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन। जैसे लिखा है एनसोमनिया, एनसोमिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एबिलिटी टू स्मेल। अफोनिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एबिलिटी टू लिसन। देखो फोन एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है साउंड से, यानी फोनिया साउंड को दिखाता है तो अफोनिया हो गया। एग्नोशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिकोगनाइज थिंग और पर्सन, यानी किसी व्यक्ति को किसी चीज़ को रिकोगनाइज नहीं कर लेते हैं। यानी ये जितने भी शब्द बने हैं, आपको वन वर्ड की क्लास में सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताऊंगा वो अलग बात है, लेकिन आप शब्द के साथ देखते जा रहे हो कि ए लग जाने से चीजों का नेगेटिव बना दे रहा है, लॉस बना दे रहा है। अब देख लो शब्द है आपका एमनेशिया, एमनेशिया का मतलब क्या हो गया, याददाश्त का खो जाना, लॉस ऑफ मेमोरी को क्या कहेंगे, एमनेशिया। याद कैसे करोगे, तो एमनेशिया आई एम इन नशा, एमनेशिया आई एम इन नशा, यानी जैसे कोई नशा में हो, जैसे नशा जो चढ़ जाता है तो याददाश्त याद रहता है क्या बोल रहा है, सबसे अपने आप को सबसे विशाल जानवर समझेगा। यानी कहने का मतलब है कि जब नशा में व्यक्ति रहता है तो उसे कुछ चीजें याद नहीं रहती है, उसे ही कहते हैं एमनेशिया, यानी याददाश्त का खो जाना, लॉस ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट वर्ड है आपका असॉयल, असॉयल का मतलब होता है दोष से मुक्त करना। कौन सा शब्द कराया हो, एब्जॉल्व करा दिया हो, दोष से मुक्त कर देने को क्या कहते हैं, असॉयल भी कहते हैं, एब्जॉल्व भी कहते हैं। अब असॉयल को याद करो, ऐसा ऑयल, असॉयल ऐसा ऑयल, यानी कि ऐसा ऑयल खिलाया कि क्या कर दिया, यानी ऐसा ऑयल खिलाया कि दोष से मुक्त कर दिया। तो असॉयल देखो सिनोनिम्स में है एब्जॉल्व, कराने की जरूरत है, याद हो गया आपको, तो असॉयल ऐसा ऑयल और ऐसा ऑयल खिलाया कि दोष से मुक्त कर दिया, दोष से बरी कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका एग्लो, एग्लो का मतलब होता है चमकना, एग्लो का मतलब होता है ब्राइट, चमक, यानी कहते हैं उसे अग्लो, अग्लो का मतलब क्या हो गया, ब्राइट। जैसे अग्लो को याद करो एंग्लो से, यानी एंग्लो से याद करो, चाहे ग्लो का मतलब भी क्या होता है, जैसे ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो होता है ग्लो, निकलने के बाद होता है, कैसे कहते हैं कि चमगादड़ बन के जाओ, परी बन के आ जाओ, यानी वही क्या हो गया, ग्लो करने लगा। तो ग्लो का मतलब क्या हो गया, चमकना, तो वही तो है अग्लो, अग्लो का मतलब भी क्या हो जाएगा, चमकना, ब्राइट, यानी किसी चीज का चमक को अग्लो कहते हैं। जैसे ग्लोइंग होता है, ग्लोइंग त्वचा होता है ना, वही ग्लो है। अब देखो एक होता है अप्रेज और एक होता है अप्राइज, यानी अप्राइज का मतलब होता है सूचित करना, एक होता है अप्रेज, देखो इसमें ए लगा है, इसमें नहीं है, यानी अप्रेज का मतलब होगा किसी का, जैसे अप्राइज करना यानी किसी चीज का प्राइज करना, यहाँ पर क्या है अप्रेज, यानी अप्राइज का मतलब होता है सूचित करना, जैसे किसी को इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्मेशन देने के लिए क्या कहते हैं, सूचित करना। जैसे आपने सुना होगा, ज्यादा फास्ट चल रहा हूं क्या, आराम से और आराम से कर देता हूं, ध्यान दो, मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे आपने सुना होगा कभी कभी कोई मेला लगता है या फिर कहीं पर भीड़ हो जाती है, तो भीड़ में कोई बच्चा गुम जाता है, अनाउंसमेंट नहीं करते हैं कि एक लाल कलर का टी शर्ट पहन के एक बच्चा है जिसका नाम ये बताया जा रहा है मेला में गुम गया है, पापा का नाम ये है, आए और लेके जाए, होता है, उसी को कहते हैं सूचित करना, उसी के लिए शब्द आता है अप्राइज, यानी अप्राइज का मतलब क्या होता है, सूचित करना, इन्फॉर्म करना। तो अप्राइज को याद कर लो, आपको प्राइज, यानी आपको प्राइज दिया जाएगा, इसके लिए आपको क्या किया जा रहा है, सूचित किया जा रहा है। केबीसी वाला, केबीसी पता नहीं कहाँ कहाँ से व्हाट्सएप पे नहीं फोन आता है कि आप 50 लाख के लकी ड्रा जीत चुके हैं, आपको सूचित किया जाता है, कैश लेना चाहेंगे किसको, चेक करवाएं, होता है, यानी इसी चीज को अप्राइज कहते हैं। अप्राइज का मतलब क्या हो गया, सूचित करना, इन्फॉर्म करना। नेक्स्ट आपका एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का मतलब होता है दुश्मनी, यानी किसी से हेट्रेड करना, दुश्मनी निभाना, उसी को क्या कहते हैं, एनिमोसिटी कहते हैं। एनिमोसिटी का मतलब किसी के साथ आपसी रंजिश को दिखाना, दुश्मनी को दिखाना। अब याद कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे अनी और यहाँ पर है मौसी, यानी अनी की मौसी हमेशा क्या करती है, दुश्मनी निभाती है, एनिमोसिटी, यानी अनी की मौसी क्या करती है, हमेशा सबसे दुश्मनी करती है, एनिमोसिटी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एम्बुलेटरी, एम्बुलेटरी का मतलब होता है चलने के में सक्षम। देखो चलने में सक्षम, ये जो शब्द बना है
इस शब्द बना है एम्बुल से। एम्बुल का मतलब ही होता है वॉक करना, चलना, लेकिन किस दिशा में चलना, ऐसे ऐसे करके चलना। जैसे पहले की जो लड़ाई हुई हुआ करती थी, जैसे पहले दो सेनाओं में जब लड़ाई हुआ करती थी तो एम्बुलेंस तो था नहीं, तो होता क्या था कि जो लड़ते हुए जो सिपाही घायल हो जाते थे उसी की सेना में से कुछ लोग उनको पकड़ के और स्ट्रेचर पर लिटा के, और अब कोई रास्ता तो देगा नहीं लड़ाई में कि हटो रास्ता दो, अब उसी में से ऐसे वैसे जैसे जहां से रास्ता मिलता था वैसे वो लेके जाते थे। अब यही क्या हुआ कि वही स्ट्रेचर धीरे 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 जब बड़ा हुआ तो वो शब्द ही बन गया था एम्बुल, और उसी एम्बुल से शब्द बना होता है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस या फिर एम्बुल का मतलब ही होता है वॉक करना। एक बहुत ही प्यारा शब्द है, इंपॉर्टेंट शब्द, जो एग्जाम में पूछता है कि द पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप दैट इज नोन एज, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो नींद में चला जाता है, नींद में चलता है, उसे क्या कहते हैं एक शब्द में। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, आप चेक कर सकते हो। अब सोम्न का मतलब होता है सोना और एम्बुल का मतलब क्या हो गया, वॉक करना, चलना। अब जो नींद में चले तो दो शब्द को जोड़ दो, सोम्न प्लस एम्बुल, यानी क्या बोल बन जाएगा, सोमनेम्बुल, और आईएसटी लगा देने से वो पर्सन बन जाता है, यानी बोलेगा एग्जाम में द पर्सन यानी वन हु वॉक्स इन स्लीप दैट इज नोन एज सोमनेम्बुलिस्ट। बना शब्द, अब याद करोगे सोमनेम्बुलिस्ट याद नहीं होगा। सोम्न का मतलब सोना और एम्बुल का मतलब वॉक, यानी जो नींद में चलता है, जो सोते समय चलता है, उसे सोमनेम्बुलिस्ट कहते हैं। इन सोमनिया नींद ना आना, सोमनिक यानी नींद से चीज। तो अब देखो एम्बुल का मतलब याद रहेगा, एम्बुल, एम्बुल से ही शब्द बना है एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस है तो एम्बुल एम्बुलेटरी यानी चलने में जो सक्षम हो, क्लियर, यानी चलने में जो सक्षम होता है वो एम्बुलेंस में नहीं जाता है। एम्बुल का मतलब क्या हो गया, चलने में सक्षम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका एगमेंट। एगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, एगमेंट का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, कम करने के लिए शब्द बताया था, अपडेट करना, एलिविएट करना, ये क्या हो जाएगा, बढ़ाना। अब देखो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स एक साथ आपके तैयार हो रहे हैं, यहां पर क्या शब्द है, एगमेंट। एगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, कि एम्पलीफाई करना करा दिया हूं, यानी चीजों को बढ़ाने को कहते हैं एगमेंट। अब एगमेंट को याद करो, देखो यहां पर दिख रहा है आग और यहां पर में, यानी आग में घी डालना सुना होगा, एड फ्यूल इन टू फायर, आग में घी डालना। अब आग में घी डालने का मतलब क्या है, किसी चीज को और बढ़ा देना, यानी किसी चीज को और बढ़ा देना, किसी चीज को और बिगाड़ देने को क्या कहते हैं, एगमेंट कहते हैं। इसी शब्द से बना होता है एगमेंटेशन, यानी एगमेंटेशन अपने आप में नाउन है, आई ओ एन लगा है, तो यही से सारे शब्द बने होते हैं। तो एगमेंट याद रहेगा, यानी एगमेंट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, तो आग में घी डालना, यानी आग में कुछ डाल के क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जैसे नहीं होता है कि किसी चीज में, एक तो पहले से ही मूड खराब है, इधर जाए घर पे ऑफिस में थे, बॉस उधर ऑफिस में सुना दिया, और उसके बाद पत्नी घर पे आया तो पत्नी कुछ और बोल दी, यानी कि एक तो ऐसे ही मूड खराब था, ऊपर से और सुना दिया, इसी को कहते हैं एगमेंट। एक और शब्द कराया था उकसाने के टर्म में, एग्रावेट करना कराया था। तो इन सब के आप एक साथ देखोगे तो बनते जाएंगे सिनोनिम्स, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपका एक्सलरी। एक्सलरी का मतलब होता है सहायक, एक्सलरी का मतलब होता है हेल्पिंग। आपने एक्सलरी वर्ब पढ़ा होगा, इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड डू डज डिड, एक्सलरी वर्ब होता है। तो यानी एक्सलरी वर्ब क्या होता है, सहायक होता है, यानी सहायता के लिए ही तो आता है, यानी एक्सलरी वर्ब का जब भी यूज होगा वो किसको क्या करेगा, सहायता के लिए आएगा। तो एक्सलरी, तो एक्सलरी का मतलब क्या हो जाएगा, सहायक, कराने की जरूरत नहीं है, यानी हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, तो एक्सलरी क्या हो जाएगा, हेल्पिंग। नेक्स्ट वर्ड है आपका अफ्रे। अफ्रे का मतलब होता है झगड़ा, अफ्रे का मतलब होता है झगड़ा करना, यानी क्वेरल करना, एक दूसरे से अफ्रे कहलाता है। अब अफ्रे में क्या दिख रहा है, यानी अफ्रे अफरीदी, यानी अफ्रे अफरीदी, यानी अफरीदी जो क्या होते हैं, हमेशा जब देखो तब झगड़ा हो जाता है, यानी झगड़ा कर लेते हैं एक दूसरे से, कौन कर लेता है, अफरीदी, यानी अफरीदी क्या कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। लगता है कि हिंदुस्तान से इनकी गहरी संपत्ति, गहरा रिश्ता है, होना भी चाहिए, बाप और बेटे का रिश्ता जन्मों जन्म से चलता आ रहा है। अफरे का मतलब क्या होता है, झगड़ा, यानी एक दूसरे से लड़ाई झगड़े को क्या कहते हैं, अफरे कहते हैं, अफरीदी। अब मुझे बताओ कि सारे शब्द याद है कि नहीं, एस्टाउंड आश्चर्य चकित हो जाना, एमनेसिया यानी यादाश्त खो जाना, आई एम नशा, असोयल दोष से मुक्त करना, अग्लो चमकना, अप्रेज अप्राइज अप्रेज यानी सूचित करना,
एनिमोसिटी। अरे अन्नी की मौसी के साथ क्या रहता है हमेशा? एम्बुलेटरी। अरे चलने में सक्षम, आगमेंट, बढ़ाना, बद से बदतर बनाना। एक्सिलरी, आफरे, यानी झगड़ा, लड़ाई एक दूसरे के साथ। बताओ कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़ जाएं। पहले वर्ड से शुरुआत करते हैं। पहला है एरिड। एरिड का मतलब होता है बंजर। आपने तो सुना होगा इनफर्टाइल, बैरन, पुराने शब्द है, एग्जाम में अब नहीं पूछता, अब पूछता है ये एरिड शब्द पूछता है। तो एरिड का मतलब होता है बंजर। बंजर का मतलब होता है कि जो उपजाऊ में ना हो, यानी इनफर्टाइल हो। फर्टिलिटी होती है किसी चीज में, अब वो इनफर्टिलाइज हो गई, यानी चीजों में अब बंजर है, उपजाऊ नहीं होगा। तो एरिड को याद करो, देखो यहां पर है अ, और रिड को याद कर लो रेड से, यानी कि लाल रंग का जो एक ग्रह है, कौन सा नाम है उसका? मंगल। और मंगल ग्रह की जो भूमि है वो कैसी है? बंजर है। रेड से रेड याद आएगा और रेड से आएगा मंगल, यानी मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, यानी लाल ग्रह जो है वो कैसा है? बंजर है। तो अरिड है यानी अरिड, अरिड एरिड यानी बंजर। नेक्स्ट वर्ड है आपका एलियाज। एलियाज का मतलब होता है उपनाम। एलियाज का मतलब होता है जैसे किसी का उपनाम हो गया, उपनाम। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछता है कि एन अज्यूम नेम, यानी एक ऐसा जो अज्यूम नेम होता है, जैसे किसी को अलग नाम से जानते हैं, यानी अलग नाम से जानना या फिर उपनाम से जानने को कहते हैं एलियाज। जैसे किसी व्यक्ति का नाम तो कुछ और है, लेकिन नाम कुछ और कह दिया, उसका नाम कुछ और, दोस्त उस नाम नहीं रख देते हैं किसी का, तो वही जो है उपनाम कहलाता है, एलियाज शब्द होता है। एलियाज को याद करो, देखो इसमें स्पेलिंग एरर में भी पूछता है, स्पेलिंग एरर में एलियाज का पूछ देगा। अब एलियाज को याद करो, देखो एल फॉर ऑल और आई ए एस, एलियाज एल आई ए एस, यानी ऑल जो आईएएस ऑफिसर होते हैं उनके क्या होते हैं? एक उपनाम होते हैं, उनके क्या होते हैं? उपनाम होते हैं। तो एलियाज, एलियाज ऑल आईएएस, उपनाम। नेक्स्ट है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब होता है झगड़ा। अल्टरकेशन का मतलब होता है बेलिकोस। बेलिकोस शब्द कराया हूं? नहीं, बेलिकोस कैसे होगा? बी वाला से आएगा। बेलिकोस का मतलब होता है लड़ाकू, बेलिकोस का मतलब झड़ाकू, झगड़ालू, वही होता है अल्टरकेशन। देखो अल्टर एक रूट वर्ड है जिसका मतलब ही होता है लड़ाई से संबंधित, यानी अल्टर पगनेसियस होता है, बहुत सारे शब्द होते हैं। तो अल्टर रूट वर्ड जो है वो ये दिखाता है कि जैसे वो अल्टर टाइप का है, बोलते नहीं लोग, तो अल्टर टाइप का है, मतलब लड़ाकू स्वभाव का है, तो वही होता है अल्टरकेशन। तो अल्टर अल्टर, यानी अल्टर लोग हमेशा क्या करते हैं? झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, तो अल्टरकेशन होता है अल्टर लोगों में। नेक्स्ट वर्ड है अप्रोपोज। अप्रोपोज का मतलब होता है उपयुक्त। अप्रोपोज का मतलब होता है उपयुक्त। एप्रोप्रिएट आया था शब्द, अपोजिट यानी वो भी क्या था? उपयुक्त था, उसे कहते हैं अप्रोपोज। अप्रोपोज का मतलब होता है, याद कर लो, आप रोज पोज, यानी आप जो रोज पोज देते हो कैसा है? उपयुक्त है। नहीं होता है कि जब देखो तब, पता नहीं क्या क्या होता है, पापा की परियां नहीं रील्स बनाती हैं, यानी उस पर क्या पोज ही तो देती हैं, जल्दी बैठो, पोज ही तो देती हैं, और क्या, इधर चले जाओ कहीं रोड पर स्टार्ट है, तो ये क्या है, इसे बोलते हैं पापा की परियां जो रील्स बनाती हैं, एप्रोपोज। एप्रोपोज का मतलब क्या होता है? उपयुक्त। आप रोज पोज, ये हो गई पापा की परी, और ये है पापा की शेरनी। अमेज़न का मतलब होता है योद्धा स्त्री, यानी एक ऐसी जो मतलब स्त्री में जो योद्धा हो जाती हैं उन्हें कहा जाता है अमेज़न। जैसे आपने सुना होगा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, तो वो क्या थी? पापा की परी, पापा की शेरनी। तो अमेज़न का मतलब होता है योद्धा स्त्री। देखो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो अमेज़न एक ई कॉमर्स जो कंपनी है, उसने भी अपना नाम इसीलिए रखा है क्योंकि उससे नाम से प्रभावित होके अपना नाम ही रख दिया अमेज़न। तो अमेज़न का मतलब ही होता है योद्धा स्त्री। अमेज़न एक बहुत बड़ी नदी भी है, उससे भी तात्पर्य बनाया गया है, कहते हैं ए टू जेड का भी संकेत देता है, यानी बहुत सारी चीज़ है। तो अमेज़न वो वाले मोबाइल से याद आ जाएगा, तो अमेज़न यानी योद्धा स्त्री, यानी एक ऐसी स्त्री जो योद्धा हो। नेक्स्ट है आपका आर्टिज़न। आर्टिज़न का मतलब होता है कारीगर, दिख रहा है, आर्टिज़न का मतलब होता है कारीगर, यानी आर्टिस्ट से याद बना होता है, यानी आर्टिस्ट से याद कर लो, जैसे भी याद कर लो, आर्टिज़न। आर्टिज़न का मतलब होता है कि जो कुशल कारीगर है, यानी कि जैसे आपने देखा हो कुशल कारीगर का मतलब ये होता है, कारीगर तो बहुत प्रकार के हैं, रील्स बनाने वाले भी तो कारीगर ही हैं, कंटेंट कहाँ से आए,
लेकिन ये कारीगर उसको दिखाता है, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो नॉर्मल हैंडीक्राफ्ट जो होते हैं, हैंडीक्राफ्ट जितने सारे बनते हैं, जैसे लकड़ियों के इस्तेमाल से बनाते हैं ना, जैसे आप चल जाओ नॉर्थ ईस्ट साइड में, वहाँ लकड़ियों की मदद से, बांस की मदद से बहुत ऐसी ऐसी अनोखी चीज़ें बनाई जाती है। तो वो जितने भी लोग हैं उनको आर्टिजन कहा जाता है, यानी कारीगर कहा जाता है, कुशल कारीगरों कहते हैं आर्टिजन। अब आर्टिजन को याद करो, आर्ट किसान कौन होता है? कुशल कारीगर होता है, यानी आर्ट किसान कौन है? कारीगर है। नेक्स्ट वर्ड है आपका अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है जिम्मेदार, यानी आंसरेबल है, जिम्मेदार को कहते हैं अकाउंटेबल। अब यहां पर देखो, यहां पर है अकाउंट, अकाउंट जो खाता खाता होता है अकाउंट। अब अकाउंट आपका है, बहुत सारे फ्रॉड होते रहते हैं, तो अकाउंट में किसी प्रकार की अगर गलती होती है उसके लिए अकाउंटेबल कौन है? आप लोग, या फिर जो जिसका अकाउंट है वही क्या होता है? अकाउंटेबल होता है। अकाउंटेबल फॉर, जैसे लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं आई एम अकाउंटेबल फॉर दिस, बोलते हैं ना। मोदी जी क्या बोलते हैं कि अगर महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, आई एम अकाउंटेबल फॉर दिस। पेट्रोल की कीमत 200 रुपए पहुंच रही है, आई एम अकाउंटेबल फॉर दिस। उसके पहले बोलते थे जब तक कीमत 70 से 80 रुपए था, अब नहीं बोलते। यानी कि अगर कुछ भी बोलते हैं, जैसे नहीं आपने सुना होगा, एक बड़ा उनका फेमस हुआ था कि क्रिटिसिज्म इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी, बोला था उसी पे, बोला था आई एम अकाउंटेबल फॉर दिस। तो वही क्या है, उसे कहते हैं जिम्मेदार। तो जिम्मेदार का मतलब होता है अकाउंटेबल। अकाउंटेबिलिटी शब्द इसी से बना होता है, यानी जिम्मेदारी। ये है अकाउंटेबल, यानी जिम्मेदार। यहां पर एबल लगा है यानी योग्य। तो अकाउंटेबल, जिस किसी के अकाउंट के साथ कुछ भी होगा, अकाउंट होल्डर क्या होता है? अकाउंटेबल होता है, यानी जिम्मेदार होता है। कोई गलती हो गई, तो गलती हो गई तो उसके लिए जो जिम्मेदार होगा, दैट पर्सन इज अकाउंटेबल फॉर दैट थिंग। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना, यानी एब्रोगेट का मतलब होता है कैंसिल कर देना, रद्द कर देना, क्या कहते हैं? एब्रोगेट कहते हैं। कराया था क्या ये हो गया है? कोई बात नहीं, रिपीट हो गया। तो एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना। एब्रोगेट पर तुम्हारा क्या, तुम्हारा जो एग्जाम है वो रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब होता है समझौता। एकॉर्ड का मतलब होता है कनकॉर्ड, यानी किसी के साथ समझौता हो गया उसे ही कहते हैं। बहुत प्यारे प्यारे शब्द बनते हैं इससे, समझौता के टर्म में बहुत सारे शब्द बनते हैं। जैसे एकॉर्ड हो गया, कॉविनेंट हो गया। कॉविनेंट का मतलब होता, सबसे एक प्यारा शब्द होता है रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब ही होता है समझौता, लेकिन इसका जो टिंज है पॉजिटिवनेस का वो बड़ा हाई पर है। जैसे मैं बताता हूँ, मान के चलो कि यहाँ पर एक शब्द है, एक का मतलब ये सारे समझौते के लेवल है, एक का लेवल यहाँ पर है, एक का लेवल यहाँ पर है, एक का लेवल, लेकिन सबसे जो हाई लेवल क्या है, सबसे हाई लेवल वो कहते हैं एकॉर्ड। जैसे समझौते का मतलब ये है कि जैसे कोई व्यक्ति होता है, अब इस व्यक्ति ने कोई बात कही और बिना कहे, मतलब कहा नहीं, इसने सिर्फ समझाया, इसने कुछ ऐसे तरीके से इशारा किया कि दूसरा अपने आप समझ गया। लेवल देख रहे हो कितना समझौता है, यानी बिना बोले समझ जाना इतना आसान होता है क्या? बिना बोले तो समझना आसान नहीं है, यानी कुछ ऐसे क्रांतिकारी लोग ही होते हैं जो कर पाते हैं ऐसा। तो इसी को कहते हैं रिपोर्ट, लेकिन ये शब्द है समझौते के लिए। कॉविनेंट भी होता है समझौते के लिए, एग्रीमेंट भी होता है समझौते के लिए, होता है, यानी बॉन्ड भी समझौता है, एग्रीमेंट भी समझौता है, लेकिन सबसे हाई रैंक पर है इसका रिपोर्ट। जब आप बड़े क्लैट लेवल के एग्जाम के बारे में देखते हो तो एक ही शब्द लिख देगा, समझौते के सारे मीनिंग उसमें रहेंगे, लेकिन सबसे जो करीब होगा वो आंसर हो जाएगा। ये है एकॉर्ड। एकॉर्ड जो शब्द बना है अकॉर्डिंग, यानी अकॉर्डिंग इसी समझौते के तौर पे, यानी एकॉर्ड अकॉर्डिंग, एकॉर्ड अकॉर्डिंग, यानी एकॉर्ड मतलब जैसे आपको दिखेगा इसी के अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग कहाँ हुआ था? ये समझौता हुआ था। जैसे आपने सुना होगा, एक बात बताओ, 1765 में कुछ हुआ था क्या? क्या हुआ था 1765 में? अरे 1764 में हुआ था बैटल ऑफ बक्सर, और 1765 में अलाहाबाद की संधि हुई। यानी कि जितने भी समझौते किए गए उसमें समझौते क्या हुआ कि डीआरके लगा दिया जाएगा, आप जो भी रेवेन्यू होगा यहाँ पर दिया जाएगा, यानी कि जितना भी समझौता हुआ वो इसी के अकॉर्डिंग हुआ, यानी इसी को क्या कहते हैं? समझौता। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट वर्ड है आपका अल्ट्रिस्ट। अल्ट्रिस्ट का मतलब होता है परोपकारी। अल्ट्रिस्ट का मतलब क्या होता है? परोपकारी। परोपकारी का मतलब ये है कि जैसे क्या होता है, जैसे किसी चीज के बारे में नहीं कहा जाता है कि आप परोपकारिता करो। परोपकारिता का मतलब ये है कि जैसे कोई अनजान व्यक्ति, जैसे अनजान व्यक्ति है, अब उसको किसी मदद की जरूरत है, आपने उसको जो मदद किया वही कहलाता है उसको परोपकार।
और उसी से बना होता है परोपकारिता, यानी किसी ऐसे जरूरतमंद की मदद करना जिसको बहुत ज्यादा जरूरत हो उसे कहते हैं परोपकार। अब देखो यहाँ पर याद, ये बहुत ही फेमस शब्द है, कई बार पूछा है। अब इसमें लगा है एल्ट्रिस्ट, अब एल्ट्रिस्ट को याद कर लो यहाँ पर, ऑल अट्रिस्ट को ट्रस्ट से, यानी कि जब सभी लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं तभी आपको क्या कहते हैं, परोपकारी कहते हैं। यानी सभी लोग समझौता, मतलब सभी लोग अगर आपको परोपकारी बोलने लगे इसका मतलब सभी लोग क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं आप पे। तो ऑल ट्रस्ट ऑल्ट्रिस्ट, ऑल्ट्रिस्ट ऑल्ट्रस्ट, यानी ऑल्ट्रस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, परोपकारी, यानी सबकी मदद करने वाला। यहां पर देखो पहला वर्ड है एरिड, एरिड मतलब बंजर, एलियाज उपनाम, अल्टरकेशन अल्टर टाइप का आदमी है, कैसा है वो, झगड़ालू, एप्रोपोज अमेज़न, योद्धा स्थिति, आर्टिजन, अकाउंटेबल, अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदार, एब्रोगेट, एकॉर्ड, अल्ट्रिस्ट परोपकारी, जिसमें सभी लोग ट्रस्ट करें वो कैसा होगा, परोपकारी। अच्छा एक चीज, अब मैं पहला वर्ड है आपका एनल, एनल का मतलब होता है रद्द करना, यानी किसी चीज को क्या कर देना, रद्द कर देना, कैंसल कर देना, एब्रोगेट कर देना, काउंटरमेंड कर देना, यानी रद्द करने के लिए शब्द आता है एनल, यानी एनल का मतलब होता है रद्द कर देना। अब एक और शब्द होता है एनुअल, एनुअल फंक्शन होता है, यानी एनुअल फंक्शन, इसमें एनुअल दूसरा होता है, ये है एनल, तो एनल का मतलब क्या हो गया, रद्द कर देना। तो एनुअल फंक्शन, यानी एनुअल फंक्शन बोलो, एनुअल मीटिंग बोलो, कि जैसे कोविड 19 जब आया था तो कोविड 19 यानी कोरोना की वजह से बहुत सारे एनुअल फंक्शन थे, बहुत सारे एनुअल मीटिंग थे, उनको क्या कर दिया गया, कैंसल्ड कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो एनुअल 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 यानी एनुअल फंक्शन बहुत सारे रद्द कर दिए गए। नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का मतलब होता है बुद्धिमान, एस्ट्यूट का मतलब होता है एड्रॉइट, एस्ट्यूट का मतलब होता है दक्ष, यानी एस्ट्यूट में, एस्ट्यूट के बारे में देखो, अगर मैं इसके बारे में जितना तारीफ करूँ इस शब्द के बारे में उतना कम है, यानी कि ये कुशलता को दिखाता है, यानी कारीगर को दिखाता है, यानी ये चीज को दिखाता है कि दिमाग से बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, यानी बुद्धिमानता को दिखाता है, कुशलता को दिखाता है, यानी हर एक चीज के बारे में दिखाता है। एड्रॉइड शब्द कराया था दक्ष निपुण कुशल, तो वही है एस्ट्यूट, यानी एस्ट्यूट। अब एस्ट्यूट को याद कर लो ऐसे इंस्टीट्यूट, अब ऐसे इंस्टीट्यूट या ऐसे ट्यूट, ट्यूट का मतलब होता है टीचर, यानी ऐसे ट्यूटर हो, ऐसे टीचर है। अब इनके पास बताओ किसी चीज की कमी है, यानी कि सर्वगुण संपन्न, बुद्धिमान से देख लो, कुशलता से देख लो, यानी ऐसे टीचर, एस्ट्यूट ऐसे ट्यूट, एस्ट्यूट ऐसे ट्यूट, यानी ऐसे ट्यूट क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, शार्प होते हैं, एड्रॉइट होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड है आपका असाइलेंट, असाइलेंट का मतलब होता है आक्रमणकारी, यानी असाइलेंट मतलब होता है, जैसे आक्रमण करने के तो बहुत सारे, तीन मीनिंग बताया था, असॉल्ट अटैक और इन्वेड, तीनों का मतलब होता है आक्रमण करना, लेकिन जो आक्रमणकारी होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं असाइलेंट, जैसे हमलावर, जैसे आतंकवादी हो गए, या फिर मिलिटेंट, कुछ मिलिटेंट एक्टिविटी करने वाले हो गए, तो वही कहलाते हैं असाइलेंट। अब असाइलेंट को याद करो, जैसे यहां पर लगा है एस, एस का मतलब, और यहां पर देख लो लात, यानी एस जो लात मारता है वो लात कैसा होता है, अटैकर होता है, आक्रमणकारी होता है। असाइलेंट का मतलब ही होता है आक्रमणकारी। दो तरीके हैं, एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका हो सकता है साइलेंट से, यानी कि जो लोग साइलेंट रहते हैं वो सबसे ज्यादा क्या होते हैं, आक्रमणकारी, यानी बहुत बड़े आक्रमणकारी होते हैं, बहुत बड़े क्रांतिकारी होते हैं, यानी जो साइलेंट है, जो साइलेंट है वो उतना ज्यादा क्या होता है, आक्रमणकारी होता है। नहीं सुने हो कि तूफान की जो धारा है शांत समझ के ये मत कहना, ये मत समझना कि इसमें मतलब क्या है, तूफान नहीं है, जिस दिन आते हैं उस दिन क्या भूचाल मचा के रख देते हैं। तो यही क्या दिखाता है कि जो साइलेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, आक्रमणकारी। तो दोनों तरीके से याद रहेगा, असाइलेंट साइलेंट से याद कर लो, या एस लात से याद कर लो, आक्रमणकारी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका अटोन, अटोन का मतलब होता है प्रायश्चित करना, यानी अटोन का मतलब होता है प्रायश्चित करना। अब ये प्रायश्चित क्या है, जैसे कभी कभी अनजाने में कोई गलती हो जाती है, एक ऐसी गलती हो जाती है कि जो कि हमें नहीं करना चाहिए, और उस गलती को जो आपको दिल से बुरा लगता है जो प्रायश्चित करते हो उसे ही कहते हैं अटोन। तो अटोन को याद कर लो अटोन से, यानी किसी व्यक्ति को कुछ ऐसा टोन बोल देते हैं जो कि हमें नहीं बोलना चाहिए, और बोलने के बाद क्या करना पड़ता है,
प्रायश्चित, यानी ऐसा टोन बोल दिया जो कि नहीं बोलना चाहिए, और बोलने के बाद क्या कर रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं। तो अटोन का मतलब क्या हो जाएगा, प्रायश्चित करना, ऐसा टोन। नेक्स्ट है आपका एगोनी। एगोनी का मतलब होता है मानसिक पीड़ा, यानी कि जो जैसे मेंटल पेन होता है उसे कहते हैं एगोनी। यानी एगोनी का सीधा सा मतलब यह है कि एक ऐसा पेन जो मेंटल हो। कभी कभी नहीं होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनसे दिमाग में बड़ा दर्द सा होता है, चुभन होता है, मेंटल पेन को कहते हैं एगोनी। अब एगोनी को याद कर लो, देखो एगोनी यहां पर है आग, और आग ने यानी कि जब से उसके घर पे आग लगा है तब से क्या हो गया है उसे, यानी एगोनी आग, आग ने जब से उसके घर को जलाया है उसे क्या हो गया है, मानसिक पीड़ा हो गया है। एगोनी आग ने, यानी आग ने जब से घर को जलाया है उसे मानसिक पीड़ा हो गया। यहां पर है एंटीक्वेटेड। एंटीक्वेटेड का मतलब होता है पुराना, काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, आप शायद इसको जानते होंगे। एक शब्द होता है एंटीक, होता है तो एंटीक का मतलब होता है पुराना, यानी पुराना जो अच्छी चीज है। देखो क्या होता है कि इस समय में अगर 2 पैसे के सिक्के मिल जाए, मिलेगा 10 पैसे के सिक्के मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, तो वो चीज़ क्या हो गया, एंटीक पीस बन जाता है। जैसे म्यूजियम वगैरह में आप जाओगे तो एंटीक चीज़ें रखी जाती हैं, वो एंटीक क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा पुराना होता है, उसी से ही शब्द बना है एंटीक्वेटेड। अब एंटीक्वेटेड को याद करो, देखो यहाँ पर है एंटी, याद आएगा आंटी, और यहाँ पर क्वेटेड यानी आंटी का जो यहाँ पर क्वेट है तो क्वेट को कोट से याद कर लो, यानी एंटीक्वेट एंटी का कोट, यानी आंटी का कोट। देखो इस आंटी का कोट कैसा है, इस आंटी का कोट कैसा है, पुराना है, यानी पुराना है, एंटीक्वेटेड है। आप लोगों से मतलब समझ में आ रहा होगा कि सर बता रहे हैं कि एंटीक्वेटेड मतलब पुराना, इन लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि इसको आंटी क्यों बोल रहे हैं, वो नहीं चल रहा होगा, यानी कि ये ऐसे ऐसे बातों को पकड़ लेती हैं जो नहीं पकड़ना चाहिए, जानबूझ के इमेज लाया था, क्योंकि ये जो शब्द होते हैं वो याद हो, यानी एंटीक्वेटेड, ये ध्यान नहीं है कि आंटी के कोट की बात कर, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब है, लेकिन ये दिख रहा है कि आंटी कैसे बोल दिया, देखो लिख दिया आंटी है, यानी एंटीक्वेटेड का मतलब क्या होता है, पुराना। यानी देखो पुराने के लिए 3-4 शब्द होते हैं, एंशियंट होता है, एंशियंट के बाद प्रिमिटिव होता है, ऑब्सोलेट होता है, आउटडेटेड होता है, यानी कि बहुत सारे, बिल्कुल, तो बहुत सारे शब्द होते हैं पुराने के लिए, तो जितने भी पुराने के लिए शब्द होते हैं वो आपको रिकॉल आना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है रोग रोधक, यानी प्रिकॉशन को बोलते हैं एंटीसेप्टिक। देखो 2 शब्द होता है, एक को बोलते हैं, एक होता है आपका एंटीसेप्टिक और दूसरा होता है एंटीबायोटिक। देखो एंटी का मतलब होता है पहले, एंटीसिपेटेड, तो एंटी मतलब पहले और सेप्टी मतलब सेफ, यानी जैसे कभी कभी चोट लग जाता है। अब जैसे मान के चलो कि अभी चोट लगा, अभी कहीं पर चोट लग गया, तो वहां पर आप एंटीसेप्टिक यूज करोगे कि जो बैक्टीरिया है वो इसके अंदर ना जाए, इसके ब्लड में ना जाए, तो यानी इसे कहेंगे एंटीसेप्टिक, यानी रोग का रोधक है कि रोग ना हो। लेकिन अगर इसके अंदर बैक्टीरिया चला गया है, आपने एंटीसेप्टिक यूज नहीं किया, बैक्टीरिया चला गया, तो अब बैक्टीरिया को इंग्लिश में कहते हैं बायो, यानी बैक्टीरिया बन जाता है बायो, इसीलिए इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक, यानी यूज होता है एंटीबायोटिक, उसे कहते हैं एंटीबायोटिक। ये क्या है, एंटीसेप्टिक, यानी एंटीसेप्टिक मतलब क्या है कि आपको बैक्टीरिया फैलने से पहले लगा देगा। जैसे कहीं पर चोट होता है आप डेटॉल वगैरह लगाते हो, तो डेटॉल का काम क्या है कि वहां पर बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया टच ही ना होने दे, वो एंटीसेप्टिक है। लेकिन जब बैक्टीरिया अंदर चला गया, जब घाव बन जाता है, तो फिर एक टैबलेट आता है जिसे कहते हैं एंटीबायोटिक, दुकान पे जाकर क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक देना। तो एंटीसेप्टिक और उसके साथ क्या है, एंटीबायोटिक। नेक्स्ट वर्ड है आपका एबिस्मल। एबिस्मल का मतलब होता है अथाह। एबिस्मल का मतलब होता है कि जिसका कोई था ना हो, यानी कि जिसका कोई था ना हो उसे अथाह कहते हैं। देखो यहाँ पे शब्द लगा है बॉटमलेस। बॉटम का मतलब नीचे और लेस का मतलब उसके बिना, यानी कि बॉटम पता ही नहीं है कहां तक है, उसे एबिस्मल कहते हैं। अब एबिस्मल में क्या दिख रहा है यहाँ पर, 20 मील, यानी एबिस्मल 20 मील। जैसे समुद्र की जो गहराई होती है वो कुछ साथ कोई था है, यानी कोई था नहीं है। अब जिसका था ना हो अथाह है, यानी हिंदी में जैसे क्या होता है कि जब नेगेटिव करना है उसको अ लगा दो, तो वही है अथाह, यानी जिसका कोई था ना हो, जिसका कोई मेजरमेंट ना किया जाए, जिसका कोई बॉटम ना हो, उसे अथाह कहते हैं। तो 20 मील से याद कर लो, एक बात बताना, 1 मील में कितना किलोमीटर होता है, 1.8 होता है, 1.6 समथिंग आता है, 1.6 का समथिंग आता है ना। अब जोड़ लो, देखो मैं ये तो नहीं पढ़ा रहा हूं, ये बता रहा हूं कि इतना आप 20 मील से गुणा कर लो, यानी लगभग 20-30 किलोमीटर के नीचे है, तो कोई था लगेगा,
यानी इसे कहते हैं अथाह। तो बिस्मल बीसमल, यानी बीस मिल के क्या कहते हैं, अथाह कहते हैं, यानी जिसका कोई था ना हो। नेक्स्ट वर्ड है अफर्म। कहा गया फोटो इसका। अफर्म का मतलब होता है दावे के साथ कहना। एक और शब्द कराओ, एक और शब्द कराया हूं वो बताओ। एसर्ट, जैसे एक एक क्या है शब्द या फर, एसर्ट भी तो कराया था, यानी दावे के साथ करना, पुष्टि के साथ कहना, यानी शर्त लगाया, कोई ऐसे शर्त लगा देता है, एसर्ट कराया था। यहां पर है अफर्म। अफर्म का मतलब होता है दावे के साथ कहना। अब जैसे कोई भी चीज है जो आप बोल रहे हो कि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा होगा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं ऐसा नहीं होगा, इसे ही कहते हैं अफर्म। अब अफर्म को याद कर लो कन्फर्म से। फॉर्म का मतलब ही होता है पक्का, यानी कि जो चीज पक्का है दावे के साथ है, उसे कहते हैं फॉर्म। फॉर्मिटी शब्द बना है, कन्फर्मेशन बना है, कन्फर्म बना है। तो यहां पर है कन्फर्म। कन का मतलब होता है टुगेदर और फर्म का मतलब पक्का करना। अब अफर्म का मतलब क्या हो गया, दावे के साथ कह देना। अब कोई दावे के साथ कह रहा है, इसका मतलब क्या है, उस पर उसे सत्ता है। देखो ये कराया हूं एसर्ट, नहीं कराया हूं, यहां पर ध्यान दो। यहां पर शब्द लिखा होता है, ऐसे शब्द जो होता है उसको मैं बोल देता हूं। तो एसर्ट एसर्ट हो, अब अफर्म और एसर्ट एक जैसे शब्द हो गए, तो इनका सिनोनिम के साथ पेयर बन जाएगा। तो अफर्म का मतलब क्या हो गया, दावे के साथ कहना। अब यहां पर है आपका एरियल। एरियल का मतलब होता है ऊंचा। ये एरी को दिखाता है, यानी ऊंचाई को दिखाता है। अब एरियल एक सरब भी तो आता है, यानी कि सरब में सबसे ऊंचा कौन है, एरियल सरब। तो एरियल से क्या बन जाएगा, एरियल, यानी एरियल सरब सबसे क्या होता है, ऊंचा होता है, इवेल्यूएटेड होता है। चलिए फटाफट से आंसर देंगे। पहला है एनल। एनल मतलब रद्द करना। एस्ट्यूट का मतलब दक्ष, कुशल, यानी बुद्धिमान। असाइलेंट आक्रमणकारी, आक्रमणकारी होता है। अटोन यानी ऐसा टोन बोल दिया कि बाद में क्या करना पड़ा। एगोनी मानसिक पीड़ा। एंटीक्वेटेड, एंटीक से है एंटीक्वेटेड। एंटीसेप्टिक एबिस्मल। अथा यानी 20 मील, यानी 20 मील तक है कोई था नहीं। अफर्म दावे के साथ कहना। एरियल ऊंचा। बताओ यहां तक किसी को प्रॉब्लम है। अब इसके बाद देखो आपके 100 वर्ड्स कंप्लीट हो गए। इसकी प्रैक्टिस सीट आपको दे दी गई है, यानी ये जो ए वाला है यहां से आपका समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम बी लेटर को देखेंगे, लेकिन कुछ चीज ऐसे हैं जो ए से ही शुरुआत होती है लेकिन वो रूट वर्ड में आते हैं, तो उनको भी साथ साथ हम देखते हुए चलेंगे। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं।